हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अनस्टॉपेबल एंड दिस प्रवीण वेल आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान दे रहे होंगे ओके सो एक नई शाम और एक नया टॉपिक विथ गोल के पास पहुंचने का एक नया दिन है बेटा बस धीरे धीरे अपने गोल के पास पहुंचने जाना है एक एक स्टेप आगे लेते चलना है और आगे बेटा बढ़ते चलना है ओके सो अगेन वेलकम टू एवरी वन ऑन दिस चैनल दिट इज योर जेनिक एंड वी विल गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक क्या होगा सर उसको डिस्कस करेंगे बस फटाफट आप लोग आ जाइए और अपनी क्लास को हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं ओके चलिए वेरी गुड सो गुड इवनिंग टू एवरीवन गुड इवनिंग अंचल अंकुल ऋषिकेश शोविक गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग सो अगेन एवरी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों से डी एफ सी के लिए रिगार्डिंग जेनिक पे काफी ज्यादा फोन आ रहे हैं सर डी एफ सी कैसे कोर्स को लॉन्च करना है कैसे उसको परचेज करना है कैसे अवेल करना है सिंपल सा फॉर्मूला है जेनिक लर्निंग ऐप को आप लोग डाउनलोड करना है वहां पे आपको सारे जितने भी डिटेल चाहिए होंगे डिटेल्स जितने आपको रिगार्डिंग डीएफसी सी आई चाहिए वो सब आपको वहां पे मिल जाएंगे सो so, जेनिक लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए आपको बहुत सारी चीजें फीचर्स उसमें मिलने वाले हैं ंग टू लाइक इट ओके ओके सर चलिए सो वेरी गुड इवनिंग अनुपा वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग चलिए सो कैसे आप लोग सब ठीक है हाँ सर सब कुछ हम लोग ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे आज नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जैसे पता है कि बेटा हमारा जो जेनिक जे ये चैनल है वो रिकवर हो गया है ऑलमोस्ट रिकवर हो गया है तो आप लोग की बेटा पढ़ाई को डिसकंटिन्यूअस नहीं रखना है आप लोग उसमें से जाकर रिवीजन करते रहिए जो भी वीडियो देखने आपको देखिए वहां पे और उसके नोट्स बनाते रहिएगा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इसलिए मैं कहता हूं आप लोग को लाइव सेशन देखा करो उसका तुरंत रिविजन दो तीन बार वीडियो रिवाइज करके अपने नोट्स बना लिया करो टाइम इतना नहीं है बेटा कि हम लोग क्या करेंगे चार पांच छह महीना खींचेंगे इसको नहीं बेटा एग्जाम आने वाला है बस आप लोग थोड़ा सा तैयार हो जाओ रेडी हो जाओ थोड़ा सा रिलैक्स रहो ज्यादा वो नहीं करना है हवा फवा नहीं ओके सर चलिए सो आई थिंक एवरी वन इज केम एंड माई वॉइस इज प्रॉपरली ऑडिबल टू एवरी वन सो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज योर फॉल्ट फॉल्ट एनालिस जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका सर ट्रांसमिशन लाइन सर क्या ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट होता नहीं बेटा फॉल्ट तो हर जगह होता है लेकिन बेसिकली हम लोग क्या करेंगे सभी ट्रांसमिशन लाइन का देखेंगे फिर पावर जनरेशन में किस तरह के फॉल्ट होते हैं उसको देखेंगे और आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में फॉल्ट फॉल्ट होता है तो उसको भी हम लोग देखेंगे बट बटल्टीन क्या होता है उसको एक अच्छे फॉर्म में एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे ताकि क्या करें बेटा फॉल्ट से कोई भी क्वेश्चन आपके आएंगे तो उसको आप लोग क्लियर कर सको ओके सर चलिए सर वेरी गुड सो अगेन गुड इवनिंग टू एवरी मैं एक बार सबको देख लेता हूं मनोज अंचल प्राची गुड इवनिंग सुमित चलिए वेरी गुड विशेष मालवीय ओके सो क्या सीक्वेंस रहेगा सर कुछ सीक्वेंस नहीं है आराम से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे सर आपके रोज क्वेश्चन रह जाते हैं हाँ बेटा क्वेश्चन रह जाते हैं क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन को ऑप्शन से आप लोगों को नहीं बताता कि हाँ भैया ए ऑप्शन सही नहीं बेटा क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना जरूरी है बच्चों से उस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और वो बताना जरूरी है क्योंकि वही मेरा स्टाइल है बेटा और मैं चाहता हूं कि बच्चों को एकदम अच्छे से अगर यहां पर आ रहा है तो अच्छे से समझ के जाए इस जाएफफॉर्म पर बच्चा आया है तो वो सीख के जाए दो घंटा दे रहा है मुझे तो दो घंटे का उसको बेनिफिट कुछ मिले वो आप लोग को मिलता है इसलिए आप लोग बेटा यहां पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो दैट इज सो मच थैंक यू टू एवरी वन चलिए सर वेरी गुड ओके बेटा ट्रिकी मैथ अगेन आई एम सेइंग कुछ भी आप लोगों का वो मैंने छुटेगा इंसुलेटर क्या है वो जिस सीक्वेंस में आएगा उस में बेटा मैं पढ़ाऊंगा उसको डोंट वरी मैंने कहा ना ट्रांसमिशन लाइन अभी हमारा बहुत लंबा चैप्टर है अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं जब मैं आपको सैग पढ़ाऊंगा होता है ना सैग भैया जो अपने घर में कपड़ा कपड़ा बांध कपड़ा, कपड़ा को सुखाने के लिए बांध देते हो एक रस्सी है ना तो उसमें कुछ दिन बाद क्या आता है सैग आ जाता है ठीक है हमारी ट्रांसमिशन लाइन में भी सैग आता है उसग को जब पढ़ाऊंगा उस, उसी के साथ मैं आपको आपको इंसुलेटर पढ़ाऊंगा तो डोंट वरी बेटा आपको, मैंने कहा ना बस आप लोग क्या करिए इन्वॉल्व रहिए है सिक्वेंस भी साथ में चलिए एक महीने बाद अब फिर मुझसे कह क्या छूटा आपका कुछ भी नहीं छूटेगा ओके सर तो बस बिलीव रखिए क्योंकि मैंने कहा कि आपको बेटा ये जेनिक प्लेटफॉर्म यहां पे आपको साथ एक बिलीव ऑनेस्टी का रिश्ता है उसको हम लोग को बरकरार रखना है एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर ओके सर चलिए बेटा वेरी गुड सो आई थिंक नाउ एवरी सर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं को सीखेंगे, बड़ी बेसिक सीखेंगे, और उस उसको भी आज ही पैकअप करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे ओके okay, सर चलिए वेरी गुड ओके ओके वेरी गुड तो सर स्टार्ट कैसे करते हैं हम लोग जिस तरह बेटा मैं रोज स्टार्ट करता हूं उस तरह स्टार्ट करूंगा क्या सर पहले कुछ पिक्चर देखते हैं कुछ पिक्चर देखते हैं ना देखते हैं ना किसी का एक फोटो देखना ही पड़ता है रोज रोज सुबह उठ के किसी का पिक्चर देखते हो तो मन खुश हो जाता है उसी तरह रोज बेटा मैं भगवान की बात कर रहा हूँ बेटा ठीक है तुम लोग और कुछ भी समझ में आ रहा हो कोई बात नहीं सर समझेंगे हमारी एज ही ऐसी है कि हम लोग किसी ना किसी की फोटो देखते ही देखते हैं चलिए सर देखना चाहिए बट पावर सिस्टम में पहले क्या करेंगे कुछ पिक्चराइजेशन देखेंगे देखेंगे कि हाँ सर क्या दिखाने वाले हो आप उसको देख लो आज महसूस करो उसको दिमाग में रिटर्न रखिएगा और उसके ऊपर हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे ओके सर चलिए आ जाओ भाई जमूर भाई साहब ये क्या पहले फॉल्ट आ गया क्या चलिए चलिए चली, इनको फॉल्ट को रहने देते हैं ठीक है देखिए अच्छा तो यही से थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो इसको इस फोटो को थोड़ा सा देख लो क्या लिखा है भाई साहब क्या लिखा है पता नहीं हमको भी पता नहीं ये सोचो कि हाँ हमको कुछ पता नहीं है आराम से इसको देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे कछु लिखा है फॉल्ट वोट कुछ लिखा है देखते हैं इसको ये क्या है बेटा ये आपका आर फेज है ये वाई फेज है या बी फेज है तीन लाइन जा रही है आपकी ठीक है आपको इसको ऑब्जर्व करना है बस और ध्यान से इसको देखना है ध्यान से इसको देख लीजिए फिर क्या चीजें हो रहा है क्या इसमें होगा उसको हम लोग अच्छे डिटेल में जानेंगे

जब दो लाइन के बीच में फॉल्ट हो जाता है तो उसको लाइन टू लाइन फॉल्ट बोलते हैं अच्छा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कौन सा है बच्चा अरे सर ये वाला तो है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट तो इसको बोलते हैं बेटा लाइन टू ग्राउंड मतलब कि एक तार टूटा जमीन पर गिर गया जुड़ गया तो दैट इज योर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट सब ऑब्जर्व करिए बेटा अभी ऑब्जर्व करिए अभी आपने कुछ सीखा नहीं है फॉल्ट में एकदम बेसिक से सीखना है बस इसको देखो क्या है भाई साहब यही ये यह दोनों फॉल्ट सेम है बस अंतर क्या है इसमें क्या है फॉल्ट जाके क्या है जमीन में गिर गया यहां पे शॉर्ट हो गया था यहां पे क्या हुआ दोनों फॉल्ट लगा और जाके जमीन में गिर गया दैट इज योर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट तो ये अलग अलग फॉल्ट है ये अलग अलग फॉल्ट है कौन से फॉल्ट है पता नहीं हमने देखा बस कि हाँ सर ये फॉल्ट है एक क्या है ट्रिपल लाइन टू ट्रिपल लाइन फॉल्ट है सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं आगे देखेंगे ये क्या है सर डबल लाइन फॉल्ट लाइन टू लाइन फॉल्ट है दो लाइन शॉर्ट कर गई एक लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है सबको एकदम आराम से देखना है आपकी ट्रांसमिशन लाइन जा रही है बाहर ट्रांसमिशन लाइन बाहर जा रही है पेड़ भाई क्या हुआ? एज हो इनकी कोई काट देगा पेड़ को आज बहुत लोग काट दे रहे हैं ऑक्सीजन खत्म हो जा रहा है तो ये पेड़ को काटा तो क्या हुआ ये गिर गया मानी तूफान आ गया तो ये गिर गया वायर पे ऊपर इसने क्या किया तीनों लाइन को ये लाइन आर है ये वाई है ये बी है तीनों को शॉर्ट कर दिया तो सर ये क्या हो गया इसमें तीनों लाइन इंक्लूडेड क्या हुआ क्या दिक्कत आई लाइन में क्या बढ़ गया क्या, क्या कम हो गया वही तो हम लोग को सीखना है हम इंजीनियर हैं हमको यह तो पता करना है कि हाँ भैया ये जब पेड़ गिर गया तीनों में फॉल्ट हो गया तो उसके इसमें क्या दिक्कत आएगी क्या चीजें में डिफरेंस आएगा किसी क्या वैल्यू में चेंज आएगा सब देखेंगे इसमें ओके तो ऑब्जर्व करो कि हाँ फॉल्ट कैसे हो जाता है कोई पेड़ गिर गया कोई कहीं का पत्थर गिर गया कहीं से कोई बिजली गिरी तो उसमें उसमें क्या हो जाता है ठीक है कुछ टूट गया ठीक है ना सर ओके सर चलिए सर ठीक है सर ये फॉल्ट हमने देख लिया बस देखना है आपको पिक्चराइजेशन देखना है और हम तो आगे इसके बढ़ेंगे डोंट वरी ओके सर चलिए अरे भाई साहब ये क्या है ये गिलहरी भाई साहब है देखिए ये गिलहरी भाई साहब क्या है तीन लाइन है एक लाइन पे जा रही है गिलहरी भाई साहब एक लाइन पे जा रहे हैं जाने दो करंट नहीं मार रहा है इनको क्यों नहीं मार रहा है देखा जाएगा सर करंट नहीं मार रहा है क्यों नहीं मार रहा है ठीक है देखा जाएगा ओके okay, सर तो ये फॉल्ट अभी किसी फॉल्ट नहीं किया ये जा रहा है एक लाइन पे बैठ के जा रहा है अच्छे से जाने दो जैसे ना चिड़िया बैठी होती है एक लाइन पे बोलते हैं करंट क्यों नहीं मार रहा सब आराम से अभी ऑब्जर्व करो दिक्कत क्या आएगी दिक्कत क्या आएगी भाई साहब इन गैलहरी को जब इनकी पूछ थोड़ी सी पूछ अपनी ऊपर उठाए थोड़ी सी अपनी पूछ को ऊपर किए जा रहा जरा सा पूछ को ऊपर किए और ये इनसे टच हुआ तब तो फिर खेल हो जाएगा

आप इंजीनियर हो आपको सारी चीजों को ऑब्जर्व करके आगे इस पर रिलेशन निकालना पड़ेगा तो ये चल के सिलेक्शन के बाद आओगे आप लोग तो क्या करना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा फॉल्ट हो गया देखना नहीं पड़ेगा वो तो सब मशीन बताएगी लेकिन आपको पता होना चाहिए ओके सर चलिए वेरी गुड पिक्चर देखते रहते हैं तो चीज ऑब्जर्व होती है आप कभी भी देख फोटो देखोगे तो आपको चीजें ये सब दिमाग में आ जानी चाहिए ओके सर आ जाएगी दिमाग में अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं ओके सर चलिए तो आई थिंक ये सब चीजें आपने देख ली हैं फॉल्ट कैसे होता है क्या होगा कि अगर वो गिलहरी भाई साहब क्या होंगे उनकी पूछ लड़ जाएगी ऊपर तो क्या हो जाएगा कौन सा फॉल्ट okay? होगा क्या? बेसिक -बेसिक क्या होती हैं कौन सी हमारी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें अच्छी हैं कौन से हमको चीजों को अच्छा फोकस करना है और उसको हम लोग अब यहाँ से आगे देखेंगे ओके सर चलिए वेरी गुड दैट इज वी नीडेड ओके बेटा ओके वेरी गुड सो अगेन दिस इज द री इंपॉर्टेंट पिक्चराइजेशन यू शूड कीप इन योर माइंड बेटा जब भी कोई फॉल्ट बोले तो माइंड में दिमाग में से फोटो जानी चाहिए फॉल्ट हाँ हुआ था लाइन टू फॉल्ट बताया था ऐसा ही है। किताबों से बाहर निकलो किताबों से बेटा आप लोग बाहर निकलिए ठीक है सर हो गया अब यहां पर हो गया सर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अब हम लोग देखेंगे भैया फॉल्ट कितने टाइप के होते हैं कैसे इसको लोग सॉल्व करते हैं ऐसा थोड़ा कि हाँ फॉल्ट हो गए तो आप जाएंगे एम मीटर लगाएंगे वोल्ट मीटर लगाएंगे चेक करेंगे यहां कितना करंट बह नहीं बेटा हमको एक ऐसा रिलेशन चाहिए किताब पे कॉपी में फॉर्मूला चाहिए ऐसा जो कि एग्जैक्ट वही करंट और वोल्टेज हमको बताए जो कि हमारा प्रैक्टिकल लाइन में वहां पे हो रहा है तो वैसा फॉर्मूला निकालने के लिए इसलिए तो इंजीनियर बने हो आप लोग हमारे पुराने इंजीनियर यही काम तो करके गए हमको एक रिलेशन दिया जिससे कि हम लोग घर में बैठे हुए कॉपी में बैठे हुए ऑफिस में बैठे बैठे निकाल सकते हैं कि वहां पर जो फॉल्ट हुआ है तो वहां पर करंट कितना फ्लो हो रहा होगा तो वही रिलेशन आपको पढ़ना है समझना है और अपना एग्जाम क्लियर करना है ओके सर चलिए वेरी गुड तो यहां से शुरू होता है चीजें बेटा अब यहां से शुरू होगा आपका पढ़ाई लिखाई अच्छे से पिक्चराइजेशन के बाद ओके सर चलिए वेरी गुड ओके सर वेरी गुड आ जाइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट जो कि हमको ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी जरूर पड़े, जरूर पड़े इसमें और उसको हम लोग बेटा यहां पे देखने वाले ओके सर सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फोल्ट फॉल्ट को बेसिकली हमने डिवाइड किया है दो पार्ट में क्या होता है सर एक सिमेट्रिकल फॉल्ट एक फॉल्ट होता है सर सिमेट्रिकल फॉल्ट और एक होता है सर आपका कौन सा फॉल्ट सेकेंड वन इज योर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट सेकेंड वन इज योर

को डिवाइड किया जाए दो पार्ट में एक होता है सर सीरीज फॉल्ट एक होता है सर सीरीज फॉल्ट दैट इज योर ओपन सर्किट फॉल्ट सीरीज और ओपन सर्किट फॉल्ट और एक होता है सर आपका एक होता है शंट फॉल्ट एक होता है शंट फॉल्ट तो ये जो फॉल्ट आ रहा है आपका ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है बेटा ये सिलेबस में नहीं है तो इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं हम लोग शंट फॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं और ये सारे जो आपके बेटा ये फॉल्ट है ये शंट फॉल्ट में ही आता है दैट इज योर दिस इज योर सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल इज योर सिमेट्रिकल एंड भाई थोड़ा सा ऊपर हो जाओ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल इसी में आता है अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल अब सबका मतलब क्या है सर इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे हमको ये शंट फॉल्ट पढ़ना है हमारे एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में यही इस क्वेश्चन पूछेगा इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा ठीक है तो चलिए सर इसको स्टार्ट करते हैं और आराम से देखते हैं कि सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है अनसिमेट्रिकल मतलब क्या होता है सब कुछ एकदम अच्छे से देखते हैं ओके okay, सर चलिए वेरी गुड चलो सर ठीक है ठीक है सर देखते हैं आप आइए ओके चलिए सर यहां पर मैंने लिख दिया बेटा यहां पे लिख दिया बिफोर फॉल्ट यहां पे लिख दिया बेटा बिफोर फॉल्ट यहां पे लिख दिया बेटा बिफोर फॉल्ट फॉल्ट से पहले और यहां पे लिख दिया आफ्टर फॉल्ट यहां पे लिख दिया आफ्टर फॉल्ट मतलब फॉल्ट के बाद क्या होगा फॉल्ट के बाद क्या होगा लाइन में और फॉल्ट के पहले क्या होगा तो एक बात हमेशा याद रखिएगा बेटा एक बात हमेशा याद रखिएगा सिमेट्रिकल फॉल्ट पहला सर सिमेट्रिकल फॉल्ट लेते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होता है बेटा सिमेट्रिकल फॉल्ट कौन कौन से होते हैं सर एक होता है ट्रिपल लाइन फॉल्ट या फिर ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट तीनों लाइन क्या टूट के जमीन पर गिर गई या फिर तीनों लाइन शॉर्ट हो गई उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट

कंडीशन में ही रहता है फॉल्ट होने के बाद भी किसमें सर सिमेट्रिकल फॉल्ट में याद रखिएगा इस बात को यह आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अच्छा सर क्या बताया आपने फिर से बताओ थोड़ा सा मैंने एक ये कहा कि सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है ये बैलेंस फॉल्ट होता है इसको हम लोग बैलेंस फॉल्ट भी बोलते हैं क्यों सर फॉल्ट होने से पहले हमारा सिस्टम बैलेंस होता है किस केस में सिमेट्रिकल फॉल्ट में और फॉल्ट होने के बाद भी आपका जो सिस्टम रहेगा वो बैलेंस ही रहेगा कौन सा फॉल्ट होगा जब जब आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा अब सर ये बैलेंस अनबैलेंस क्या है सर देख लो बेटा मैंने बताया था आपको बैलेंस का मतलब क्या होता है सिस्टम किसी भी सिस्टम को बैलेंस कब कहते हैं किसी भी सिस्टम को बैलेंस कब कहते हैं जब वो क्या हो बेटा उसका मैग्नीट्यूड हम थ्री फेज की बात कर रहे हैं थ्री फेज को बैलेंस हम लोग कब कहते हैं जब क्या हो सभी वोल्टेज या करंट का मैग्नीट्यूड बराबर हो और सभी क्या हो 120 डिग्री एक दूसरे से क्या हो डिस्प्लेस हो तीन वोल्टेज है अगर तीनों वोल्टेज क्या है एक सौ बीस डिग्री एक दूसरे से डिस्प्लेस है इक्वल डिस्टेंस है एक सौ बीस डिग्री और सबका मैग्नीट्यूड बराबर है तब जाके बैलेंस सिस्टम 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 तब उस को क्या कहोगे कहोगे आप लोग बैलेंस अगर एक भी क्या क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा तो वो सिस्टम बैलेंस नहीं होगा मान लो तीनों वोल्टेज बराबर है लेकिन वो 120 डिग्री पर डिस्प्लेस नहीं है तो वो बैलेंस नहीं कहलाएंगे या फिर तीनों क्या है तीनों वोल्टेज क्या है एक मान लो वोल्टेज ये है एक वोल्टेज ये है एक वोल्टेज ये तीनों क्या है एक सौ 120, 120 डिग्री पे हैं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है ये छोटा है ये उससे बड़ा है ये उससे बड़ा है। लेकिन हम लोग बैलेंस नहीं कहेंगे इसको भी हम लोग बैलेंस नहीं कहेंगे बैलेंस, कहें बैलेंस होने के लिए सिस्टम को बैलेंस होने के लिए थ्री फेज सिस्टम को बैलेंस होने के लिए तीनों वोल्टेज क्या होना चाहिए डिस्प्लेस होना चाहिए एक डिग्री और तीनों इक्वल भी होने चाहिए तो क्या होता है इस सिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होता है फॉल्ट के पहले भी सिस्टम बैलेंस होता है और फॉल्ट के बाद भी क्या होता है बेटा सिस्टम बैलेंस ही रहता है मतलब फॉल्ट हो गया उसके बाद भी जो तीनों वोल्टेज हैं तीनों बराबर हैं और तीनों क्या है 120 डिग्री डिस्प्लेस हैं तो बैलेंस सिस्टम का फायदा क्या होता है बैलेंस सिस्टम का फायदा यह होता है बेटा हम लोग किसी एक फेज की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी एक फेज की वैल्यू निकालते हैं और फिर हमारे पास एक टर्निंग uh, क्या था एक इक्का है कौन सा अल्फा ऑपरेटर उसका यूज करके हम लोग दूसरा फेज भी निकाल लेते हैं और तीसरा फेज भी निकाल लेते हैं तो ये खासियत होती है, बैलेंस की। जब बैलेंस होता है तो हम लोग वैल्यू एक फेज के निकालते हैं सिस्टम बैलेंस होगा तब अगर सिस्टम बैलेंस नहीं है तो हम लोग अल्फा ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते सिमेट्रिकल तो में क्या होता है सर हमारा जो सिस्टम है वो से पहले भी बैलेंस रहता है और फॉल्ट के बाद भी रहता है। तो फेस तो की वैल्यू निकालेंगे दूसरा फेस आ जाएगा अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीसरा आ जाएगा बात समझ आई बहुत सिंपल बहुत है बेटा इतना बेसिक से कोई आप लोगों को ऊपर नहीं उठाएगा ध्यान से सुनते रहिएगा बैलेंस सिस्टम में सिस्टम विल रिमेन बैलेंस इन केस ऑफ सिमेट्रिकल फॉल्ट बिफोर फॉल्ट ऑल्सो एंड आफ्टर द फॉल्ट ऑल्सो एंड इन केस ऑफ सिमेट्रिकल फॉल्ट वी कैल्कुलेट द वैल्यू ऑफ फॉल्ट इन पर फेज वैल्यू एक फेज के लिए निकालते हैं और अल्फा का अल्फा ऑपरूट का यूज करके तीनों वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं तो आसान होता है इसमें चीजें आसान होती है बैलेंस है तो ठीक हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू को एक फेज का निकालो अल्फा अल्फा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूसरा तीसरा निकाल लेंगे बात आती है क्या सर अब बात आती है किसकी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को देखते हैं बेटा उसमें थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है थोड़ा खीड़ है ये उसको थोड़ा सा सीखना है और उसी में क्वेश्चन आते हैं ठीक है सर चलिए उसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं ये बैलेंस सिस्टम की कंडीशन याद रखिएगा दोनों फुलफिल होंगे तभी आपके सिस्टम बैलेंस होगा अदरवाइज इट विल नॉट बी कॉल्ड बैलेंस सिस्टम ठीक है सर चलिए ठीक है सर यहां पे हमने देख लिया सिमेट्रिकल फॉल्ट हो गया अब सर दूसरा क्या होता है फॉल्ट दूसरे तरह का फॉल्ट होता है बेटा आपका अनसिमेट्रिकल ंड इज योर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट अनसीमेट्रिकल फॉल्ट अनसीमेट्रिकल फॉल्ट कौन कौन से फॉल्ट होते हैं भाई साहब इसमें कौन कौन से फॉल्ट होते हैं एक तो भैया लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया देखा था ना बेटा अभी अभी देखा था हमने अभी, अभी देखा था कहां गए भाई साहब हां आ जाओ ठीक है ये देखिए लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया ये क्या होता है अनसिमेट्रिकल होता है दिस इज योर अनसिमेट्रिकल ये भी क्या है अनसिमेट्रिकल ये भी क्या है अनसिमेट्रिकल लेकिन ये क्या है बेटा आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट है ठीक सर चलिए देखते हैं ओके ओके सर देखते हैं तो सर इसमें क्या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया लाइन टू लाइन फॉल्ट भी इसमें आता है और लाइन टू डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट 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 भी इसी में आता है है तो क्या है इसमें डिफरेंस होता है, सर बिफोर फिर अगेन से पहले आपका सिस्टम इसमें भी क्या होता है बैलेंस्ड होता है फॉल्ट से पहले सिस्टम क्या होता है इसमें बैलेंस्ड होता है कौन से फॉल्ट में सर दोनों फॉल्ट में सर चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो भाई सिस्टम हमारा क्या है फॉल्ट से पहले बैलेंस ही रहता है इसमें को से नहीं पाते लेकिन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होता है बेटा जैसे फॉल्ट ये होता है लाइन टू ग्राउंड हुआ लाइन टू लाइन हुआ या फिर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ आपका जो सिस्टम हो जाएगा फॉल्ट के बाद वो अनबैलेंस हो जाता है सिस्टम क्या हो जाता है बेटा अनबैलेंस हो जाता है सिस्टम इज योर अनबैलेंस सिस्टम और जब आपका सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा उस केस में बेटा आप लोग दिक्कतें शुरू हो जाती है क्योंकि अब हम लोग अल्फा ऑपरेटर का यूज करके दूसरा और तीसरा वैल्यू नहीं निकाल सकते अब क्या हो जाएगा सिस्टम अनबैलेंस हो गया वो किसकी वजह से हो गया होगा मान लेते हैं वोल्टेज अनइक्वल हो गए होंगे हो या फिर उनके बीच में जो एंगल है वो वन डिग्री नहीं हुआ कुछ और होगा तो अन फॉल्ट में फॉल्ट होने के बाद आपका सिस्टम क्या हो जाता है अनबैलेंस हो जाता है दिक्कत आ गई सर सिस्टम अनबैलेंस हो गया तो उससे क्या उससे की दिक्कत क्या होगी अब देखो आपका सिस्टम क्या होगा बैलेंस है पहले पहले ऐसे था पहले क्या था सिस्टम बैलेंस था ये ए फेज है बी फेज फेज है ये है सी जैसे ही फॉल्ट हुआ जैसे बेटा फॉल्ट हो गया तो क्या हुआ अब क्या हुआ सर इसमें क्या हुआ फॉल्ट फॉल्ट हो हो गया हो गया तो एक क्या हो गया इतना हो गया एक क्या हो गया बड़ा हो गया एक क्या हो गया छोटा हो गया अब क्या ये ए बी सी अब ये सिस्टम क्या रहा बै। बैलेंस नहीं रहा अब ये बैलेंस नहीं रहा तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कहते क्या करेंगे अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा ऑपरेटर से तो ये मिल जाएगा नहीं बेटा अब दोनों अनइक्वल हो गए अब ये सारे अनइक्वल हो गए तो हम लोग यहां पर अब अल्फा ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते एक फेज की वैल्यू निकाल के हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भैया इस फेज की वैल्यू आ गई है उसमें तो दो बराबर नहीं है दोनों अनइक्वल हो गए जबकि बैलेंस था सब बैलेंस था, था। इसलिए क्या करते हम तो लोग एक वैल्यू निकालेंगे और अल्फा, अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके दूसरी और तीसरी वैल्यू को निकाल लेंगे लेकिन यहां पर दिक्कत आ गया फॉल्ट में फॉल्ट होने के बाद फॉल्ट होने के बाद सिस्टम अनबैलेंस हो गया तो अब हमको तीनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा बेटा क्योंकि तीनों क्या हो गया अनबैलेंस हो गया मतलब अनइक्वल हो सकता है डजेंट मैटर इट कैन बी बाय अनबैलेंस बाय वेरिंग द एंगल और बाय देयर वैल्यू तो दिक्कत किस में आती है अनसेमेटिकल फॉल्ट में आती है तो हम लोग क्या करेंगे सर अनसेमेटिकल फॉल्ट को पढ़ेंगे सर कैसे इसको फिर इसको वैल्यू को निकाले कैसे इसको निकाला कैसे जाए भैया दोनों वैल्यू अलग अलग हो गई फॉल्ट होने के बाद सिस्टम अनबैलेंस हो गया तो ये वैल्यू निकलेगी कैसे सर

अपने अनसिमेट्रिकल अं फॉल्ट को उसके साथ स्टडी कर सकते हो कभी भी याद रखिएगा जब भी आपका सिस्टम बैलेंस होगा जब भी आपका सिस्टम क्या होगा सिमेट्रिकल फॉल्ट में आएगा उसका मैं कभी भी पॉजिटिव जीरो सीक्वेंस की बात मत करिएगा सिमेट्रिकल फॉल्ट में पॉजिटिव सीक्वेंस निगेटिव सिक्वेंस जीरो सिक्वेंस नहीं बात करिएगा वहां पर यूज नहीं करना है वहां पर एक फेस की वैल्यू निकाली दूसरी अपने आप निकल जाती है पॉजिटिव निगेटिव जीरो सिक्वेंस की बात कब करोगे जब आपके सिस्टम में अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होगा कोई पूछ लेगा आपसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट इन सिमेट्रिकल फॉल्ट आपको आंसर क्या होगा जीरो होगा यार और ये क्वेश्चन गलत है क्वेश्चन इसको पूछना ही चाहिए ऐसा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ निगेटिव सीक्वेंस करंट इन सिमेट्रिकल फॉल्ट तो आपका आंसर क्या होगा सर जीरो बिकॉज इन केस ऑफ सिमेट्रिकल फॉल्ट द सिस्टम इज बैलेंस्ड एंड वी डोंट यूज देयर दिस पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो सिक्वेंस उसकी अपने आप वैल्यू जीरो आ जाएगी किसकी निगेटिव की और जीरो की जब आपका सिस्टम बैलेंस होता है तो पॉजिटिव जीरो सिक्वेंस कंपोनेंट जो होते हैं उसका हो है, तो यूज है। हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो छोटे छोटे लेकिन बड़े अच्छे इसको इसको एमसीक्यू पूछा जाता है और आपको ध्यान देना पूछ लेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरो इन लाइन एल एल ट्रिपल एल फॉल्ट आपका आंसर क्या होगा सर जीरो क्योंकि सिस्टम आ रहा फॉल्ट में बैलेंस होता है फॉल्ट के बाद भी तो जब बैलेंस सिस्टम होता है तो उसके निगेटिव और जीरो सिक्वेंस की वैल्यू कुछ नहीं होती जीरो होती है यहां तक कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आई है प्लीज पूछेगी ये आपको आगे लेके चलना है ध्यान रखेंगे पॉजिटिव जीरो की बात सिर्फ इसमें करोगे इसमें एल जी एल एल और डबल एल जी में इसमें कभी भी बात मत करिएगा इसमें कभी भी पॉजिटिव निगेटिव जीरो सिक्वेंस नहीं आएगा इसको दिमाग में अपने नोट्स में बना के लिख लीजिएगा सर इसको ध्यान देना है आपको समझ आई यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा बिकॉज बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं एकदम इंजॉयबल वे में पढ़ रहे हैं कुछ भी हार्ड नहीं है सिंपल सिंपल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उस गिलहरी को बचाएंगे उसकी पूज को बचाना क्या है बेटा, उसको कहेंगे चलो नीचे उतरो ठीक है कोशिश करेंगे कि उसकी पूछ क्या हो बेटा ऊपर ना लड़े क्योंकि वहां पे फॉल्ट हो सकता है लेकिन फॉल्ट कितने तरह के होते है? पहले ये सीख तो नहीं सर पहले सीख तो नहीं हम इंजीनियर हैं हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे हम लोग निकालेंगे और इसको कैसे यूज करेंगे टू फाइंड द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट हैपनिंग इन अवर ट्रांसमिशन लाइन ओके सर चलिए हां बेटा साहब होगा विशेष वट इज विशेष यू नीड टू बी जस्ट कंसिस्टेंट विद आवर चैनल कंसिस्टेंट रहिए आपको चीजें जो आपने एक्सेप्ट की है उससे ज्यादा ही मिलेगा आपको इस बात को ध्यान रखिएगा दिस इज जैनिक बेटा दिस इज जैनिक प्लेटफॉर्म एंड यू विल गेट मोर देन योर एक्सपेक्टेशन ओके एंड अगेन आई एम सेइंग वेरी थैंक्स टू एवरीवन हु हैव इनरोल फॉर द डीएफसी काफी बच्चों ने इनरोलमेंट किया हुआ है और काफी हमारे एक्सपेक्टेशन ज्यादा बच्चों ने कर लिया है कोई बात नहीं सर आप लोग के लिए भी चीजें ओपन है आप लोग जाके उसको अवेल कर सकते हैं ओके okay, सर चलिए वेरी गुड तो सर चलिए आप लोग यहां से अब आगे बढ़ते हैं सर यहां से आगे बढ़ते हैं हमको समझ में आ गया कि हमारा जो मेन दिक्कत कहां आ रही है सर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में आ रही है इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या हुआ कुछ वैल्यू चाहिए जो कि हमारा ये अनइक्वल अनबैलेंस सिस्टम को क्या करे बैलेंस में कन्वर्ट कर दे और हमारा आंसर निकल पाए किसमें सर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में ओके तो जो फोर्टिस क्यों थियोरम है वो डिफाइन किसके लिए है वो अनबैलेंस सिस्टम के लिए डिफाइन है वो किसके लिए डिफाइन है अनबैलेंस सिस्टम के लिए डिफाइन है पहले पॉइंट तो ये लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में बैलेंस सिस्टम के लिए हम लोग फोर्टिस क्यू थम नहीं यूज करते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट के लिए बैलेंस हम लोग नहीं यूज करते हैं ठीक तो चलिए सर शुरू करते हैं हमारे भाई साहब क्या आ गए फोर्टिस क्यू आ गए जो कि हमको बताएंगे कि ये जो सिस्टम अनबैलेंस है उसको बैलेंस सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे और कैसे फॉर्मुला निकालेंगे जिसके यूज करके हम लोग एक्जैक्टली exactly वही वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट होने के बाद वैल्यू फ्लो कर रही है ओके okay, सर चलिए आइए देखते हैं सर सो दिस इज योर फोर्टिज क्यू फोर्टिज क्यू फोर्टिज क्यू थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जामिनेशन बेटा क्योंकि क्या है पूरे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में हमको क्या करेगा हेल्प करेगा ठीक है तो मैं इसको लाइन बाई लाइन सिक्वेंस में लिखा देता हूं एन अनबैलेंस सिस्टम ठीक है देखो मैंने स्टार्टिंग किया अनबैलेंस सिस्टम से ठीक है एन अनबैलेंस सिस्टम एन अनबैलेंस्ड एन फेस सिस्टम एन अनबैलेंस्ड एन फेस सिस्टम एन अनबैलेंस एन फेस सिस्टम कैन बी कैन बी कन्वर्टेड Converted into, into n minus one n minus one phase of balanced n minus one phase of balance system n minus one phase of balance n minus one n minus one phase of balance component okay, n minus one फेज ऑफ बैलेंस कंपोनेंट एंड वन कंपोनेंट ऑफ ऑफ कोफेजर ऑफ कोफेजर अब कोफेजर का मतलब क्या होता है हम लोग सीखेंगे अभी ध्यान से देखिए ठीक है ना बेटा चलिए तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग किसमें यूज करते हैं फोर्टी के बारे में डिफाइन किसने किया डिफाइन किया है, है? है? अनबैलेंस सिस्टम के लिए बैलेंस सिस्टम के लिए फोर्टी ट्यू फॉर्मुला नहीं यूज करते हैं याद रखेंगे जब हमारा सिस्टम बैलेंस हो गया फॉल्ट के बाद भी उसके भाई साहब का को कोई भी यूज रोल नहीं आता उसमें। उनका भी है, सर? के लिए है। okay, सर. चलिए. तो क्या कहा आपका सिस्टम है फॉल्ट हो गया उसमें क्या हुआ फॉल्ट हो गया उसमें क्या हो गया फॉल्ट हो गया थ्री फेज सिस्टम है उसमें फॉल्ट हो गया तो थ्री फेज सिस्टम को हम लोग किसमें कर सकते हैं थ्री फेज सिस्टम थ्री फेज सिस्टम है आपका जो कि थ्री फेज सिस्टम है जो कि क्या है बेटा आपका अनबैलेंस है क्या है सर अनबैलेंस है क्या है सर अनबैलेंस सिस्टम हमारा अनबैलेंस हो गया तो इन्होंने कहा कि जब आपका सिस्टम है उसमें उसको आप बोलो अनबैलेंस सिस्टम को एन माइनस वन मतलब थ्री माइनस वन करोगे तो टू तो टू बैलेंस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो दो बैलेंस सिस्टम प्लस प्लस वन कंपोनेंट सिस्टम या फिर प्लस वन प्लस वन, को प्लस वन को फेजर अब क्या है ये इनको हम लोग पे डिटेल में देखेंगे. इसको है. हमारा मोटिव हमारा क्या है हमारे लिए एन की वैल्यू क्या है थ्री के बराबर एन कुछ भी हो सकता है फाइव सिक्स एट नाइन टेन लेकिन हमारा बेटा जो सिस्टम है वो थ्री फेज सिस्टम है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं इन हेल्प से हम लोग इसको फॉर्मूला निकालेंगे और उसका यूज करके सारी वैल्यू निकाल लेंगे और इसका यूज हम लोग किस में कर रहे हैं सर अनसिमेटिकल फॉल्ट में कर रहे हैं इसको मैं बार बार इसलिए बोल रहा था कि आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा कि बच्चों कंफ्यूज रहते हैं सिमेट्रिकल में भी सोचते हैं कि हम लोग इसका यूज करेंगे अनसिमेटिकल में भी सोचते हैं इसका यूज करेंगे लेकिन इंटरव्यू में पूछेगा तो ध्यान से वहां वहाँ पे बता देना ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है बेटा आप लोग को पता होने चाहिए और ये आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इन केस ऑफ इंटरव्यू ऑल्सो एंड इन एग्जामिनेशन ऑल्सो ओके सर चलिए वेरी गुड तो देखिए सर आपका आपने कहा अब देखो बेटा जो मैंने बताया उसको थोड़ा सा डायग्राम डायग्राम से हम लोग देखते हैं ठीक है देखते हैं सर आइए सर ये हमारा एक सिस्टम है जो कि अनबैलेंस है हमारा ये सिस्टम अनबैलेंस है इसमें क्या है सर एक एक लाइन बड़ी है एक लाइन छोटी है मतलब ये सिस्टम हमारा बैलेंस है ये हमारा सिस्टम क्या है सर अनबैलेंस है एबीसी हम लोग ले लिए आर वाई बी भी ले सकते हैं आप लोग ये हमारा सिस्टम क्या है अनबैलेंस है ये सिस्टम क्या है सर हमारा अनबैलेंस है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हुआ इसलिए अनबैलेंस हो गया सिस्टम उन्होंने कहा फोर्टिस ने कहा कि इसको हम लोग दो बैलेंस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं दो बैलेंस कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं और एक को फेजर कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं तोड़ते हैं सर इसको तोड़ते हैं तो सर पहला क्या हो गया तैयार तो भैया ऐसा हो गया ए वन बी वन एंड सी वन प्लस प्लस ए टू सी टू बी टू बी होता है ना नाम किसी का हाँ सर नाम होता है किसी का बिट्टू नाम भी होता है बस थोड़ा सा इसको देखिएगा अपने से बनाने की कोशिश क्या करो बेटा और तीसरा क्या सर ए नॉट बी नॉट एंड सी नॉट ठीक है सर इसको आप लोग आर वाई बी में लिख सकते हो इसको ध्यान से देखिएगा ये जो एक पार्ट था अनबैलेंस जो पार्ट था ये ये जो अनबैलेंस पार्ट था बेटा ये जो अनबैलेंस पार्ट था इसको तोड़ के तीन पार्ट में तोड़ा गया इसको तीन पार्ट में तोड़ा गया एक ये पार्ट एक ये पार्ट और एक ये पार्ट इसको फिर से जोड़ेंगे इन तीनों को जोड़े देंगे तो यही निकल के चलाएगा ये बड़ा सा एक अनबैलेंस सिस्टम है इसको तोड़ा गया किसमें एक इसमें एक इसमें और एक इसमें ये अनबैलेंस सिस्टम को तोड़ हम लोग और इसमें ये जो सिस्टम है बेटा पहला जो सिस्टम है ये दोनों क्या है बैलेंस है ये दोनों, मतलब दोनों तो वैल्यू बराबर है, और दो, है क्या है? सारे जो है, वो एक सौ बीस डिग्री डिस्प्लेस्ड है इसको बोलते हैं सर पॉजिटिव सिक्वेंस कंपोनेंट पॉजिटिव सिक्वेंस कंपोनेंट पॉजिटिव सिक्वेंस कंपोनेंट क्यों सर इसको पॉजिटिव सिक्वेंस कंपोनेंट क्यों बोल रहे हो जनरली क्या होता है बेटा हम लोग एबीसी जो सीक्वेंस लेते हैं हम लोग जनरली लेते हैं, को लेते है, को लेते हैं। तो जो इसका सिस्टम था जो हमारा इसका सिस्टम था हमारा एबीसी जो जो है एबीसी तो है, है जो पॉजिटिव सिक्वेंस होता है तो है, इसका सिक्वेंस भी सेम है जो कि हमारा लाइन का सिस्टम का होता है ओके सर देखिये अब इस केस में ये क्या है balanced है ये बैलेंस्ड है सारी वैल्यू इक्वल है और सब क्या है 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है दूसरा भी सिस्टम क्या है ये भी बैलेंस है ये मतलब कि सारी वैल्यू इक्वल है और 120 डिग्री क्या कर रहे हैं डिस्प्लेस लेकिन यहां पे क्या हो गया सर इसका सीक्वेंस पॉजिटिव था और इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा सर निगेटिव है यहां देखिए सर एबीसी पर ए सी भी है तो यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा निगेटिव सिक्वेंस कंपोनेंट इसको बोलते हैं निगेटिव सिक्वेंस कंपोनेंट निगेटिव सिक्वेंस कंपोनेंट ओके सर समझ गए अब सर तीसरा क्या आ गया तीसरे भाई साहब क्या है इसमें तीनों वैल्यू क्या है बराबर है लेकिन अब ये डिस्प्लेस नहीं है एक सौ बीस डिग्री तीनों क्या है सेम डायरेक्शन में That is called co -phaser. Co -phaser मतलब सब क्या है? एक ही फेज में है हमारे पास अनबैलेंस सिस्टम था उसको तोड़ दिया गया तीन पार्ट में पॉजिटिव निगेटिव और जीरो ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ तो उसमें से तीन तार निकलेगी बाहर एक पॉजिटिव इधर निकलेगी एक निगेटिव इधर निकलेगी एक जीरो उधर निकलेगा नहीं बेटा ये हम लोग को समझने के लिए फॉर्मुला या कॉपी बनाया जा रहा है ताकि हमारा रियल वैल्यू ऐसे निकले ऐसा नहीं होता कि हाँ तार में जैसे टूटा फॉल्ट हुआ उसमें तीन तार बाहर निकलेगी एक पॉजिटिव इधर निकलेगी एक निगेटिव उधर निकलेगी और एक जीरो उधर निकलेगी तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा फिर सिक्वेंस बन जाएगा नहीं ये चीजें बेटा कॉपी में हम लोग को फॉर्मुला बनाने के लिए काम आएगा जो कि हम लोग को एक्जैक्टली वैसा ही वर्क करेगा जैसे कि हमारा लाइन वर्क करती है तो एक अनबैलेंस सिस्टम को हम लोग थ्री फेस अनबैलेंस सिस्टम को दो ऐसे पार्ट में तोड़ बैलेंस है और एक को फेजर में तोड़ दिया इसको जोड़ेंगे तो हमको दोबारा यही मिल जाएगा इसको जोड़ेंगे तो दोबारा हमको यही मिल जाएगा क्यों बोल रहा इसको बार बार इसलिए आप लोग इसको देखोगे ओके चलिए वेरी गुड ओके सर ये बात समझ में आ गई अब यहीं से बेटा क्या करेंगे देखो बेटा इसमें क्या होता है कभी कभी क्या होता है मेंस में आप लोग देते हो मेंस देते हो तो उसमें पूछ लेगा डेराइव द फॉर्मूला फॉर कंपोनेंट्स ड्राइव द फॉर्मुला फॉर सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स तो समझे रहोगे तो बार बार जीजेक निकल ही पड़ेगी देखा समझा दोबारा लिख लिया घर में अपने से और कर ले जाओगे ओके okay? चलिए अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग कैसे इसको डराइव करना है फॉर्मूला इसका ध्यान से देखिएगा ठीक है याद कर रखना सर फोर्टिस क्यू सिर्फ अनबैलेंस सिस्टम के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं बैलेंस सिस्टम के लिए निगेटिव और निगेटिव जीरो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा मैं इसको दिखाऊंगा जब क्या किया आपका सिस्टम क्या हो अनबैलेंस हो गया

चलिए सर वेरी गुड ये भाई साहब क्या है ए है बी है सी है तो जो ए है ये तीन पार्ट में टूटा ये जो ए है ए फेज है ये तीन पार्ट में टूटा 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 में, में और ए नॉट में टूटा इसको हम लिख सकते हैं ऐसे सर जो ये वोल्टेज वी ए अनबैलेंस था वो क्या टूटा कितने पार्ट में टूटा तीन पार्ट में एक वी ए वन जिसको पॉजिटिव सीक्वेंस बोलते हैं ठीक है चलो रिवर्स शुरू करते हैं ठीक है आसानी होगी लिखने में रिवर्स शुरू करते हैं वी ए नॉट जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट प्लस पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट प्लस नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ये जो फेस है ये क्या हुआ तीन पार्ट में टूटा है ए वन ए टू और ए नॉट में so, जोड़ देंगे तो यही तो आएगा ठीक है सर इसी तरह बीबी और सी भी तो लिख देते हैं सर बी और सी को भी दैट वी बी इज इक्वल टू पॉज जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट प्लस पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट प्लस नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट कहा कि इसमें दिक्कत का है कौन कौन दिक्कत ना है

आप लोग बेटा सिमेट्रिकली इस तरह से स्टेप करेंगे आपको नंबर ऐसे ही मिलते हैं तो ठीक है, है बहुत 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 मजेदार काम करते हैं जो कि अल्फा ऑपरेटर है जो सिखाया आपको बेसिक टूल में मैं फिर से बेटा सारे वीडियोस रिकवर हो चुके हैं आप लोग उसको देखिए बार बार देखिए जब तक आप लोगों को बेसिक टूल्स पावर सिस्टम का मैंने प्लेलिस्ट बना रखी प्ले लिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहिए बेटा आप लोग को अपने आप लेवल आपको समझ में आ जाएगा तो मैंने वहां डिस्कस किया हुआ है कि अल्फा ऑपरेटर क्या होता है वो क्या करता है किसी भी सिग्नल को 120 डिग्री रोटेट कर देता है एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी सिग्नल से तो उसका अब यहां पर रोल आएगा उसका यहां पर रोल आएगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे यहां पर ओके सर चलिए सर तो क्या था सर हमारा अल्फा ऑपरेटर कौन थे सर अल्फा ऑपरेटर हुज वैल्यू इन पोलर फॉर्म इज वन एंगल वन ट्वेंटी बच्चे को याद क्या नहीं रहता है सर इसका जो रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है वो वैल्यू याद नहीं होती उसको याद रखिएगा माइनस दैट इज योर ओके चलिए वेरी गुड तो सर हमारा मेन मतलब क्या है हमारा मेन काम क्या है सर हमको क्या करना है ये हमारे जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट है पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस जीरो सीक्वेंस इसकी वैल्यू हमको पता चल जाए इसकी वैल्यू फॉर्मूला निकल जाए सर इसकी वैल्यू पता चल जाएगी इन टर्म्स ऑफ दिस एबीसी वोल्टेज तो हमारा खेल खत्म हो गया हमारा फॉर्मुला निकल गया और हम लोग इसको यूज करके रियल वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइन में फ्लो कर रही है वैल्यू आफ्टर द फॉल्ट 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 कौन सा सर सर अनसिमेट्रिकल ओके तो लोगों ने चलो भैया ये इतने सारे हैं इतने सारे अलग अलग टर्म्स आ रहे हैं इसको किसी एक टर्म में हम लोग क्या कर लेते हैं चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा फॉर्मूला निकालना आसान हो जाएगा चलो सर ठीक है तो मैंने अभी आपको कहा ये तीनों क्या है इक्वल है ये तीनों इक्वल है ये तीनों इक्वल है ए नॉट बी नॉट सी नॉट इक्वल है तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर बी नॉट की जगह भी ए नॉट लिख सकता हूं सी नॉट की जगह भी क्या सकता हूं ए नॉट लिख सकता हूं आपकी मर्जी आप कुछ भी लिखो आप क्या करो ए नॉट को बी नॉट लिख दो नॉट नॉट को भी B0 लिख अब को लो कर कोई दिक्कत नहीं लेकिन जनरल क्या है बेटा ए फेस को रेफरेंस मानकर हम लोग करते थे इसलिए इसको हम लोग रेफरेंस मान रहे हैं आप लोग किसी को भी रेफरेंस मान लो सिम को मान लो और इसको इसको कन्वर्ट कर दो वी सी नॉट इसको भी कन्वर्ट कर दो नॉट में मैटर आपका फॉर्मला निकल के सेम ही आएगा ठीक है सर चलिए

240 चालीस डिग्री घुमा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सर हमारा निकल के चलाएगा तो हम लिख सकते हैं लोग बिकॉज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर इज वन एंगल टू फोर्टी तो इस a1 में अगर अल्फा अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो ये क्या हमको वन दे देगा तो चलो सर लिख देते हैं हम लोग उसको लिख लेते हैं तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं VB1 को क्या लिख सकते हैं यहां VA, में अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमको VB1, VB1 मिल जाएगा ठीक है सर मिल जाएगा ओके सर हम क्यों कर रहे हैं सर ऐसा हम एक कॉमन फॉर्मुला चाहते हैं इसलिए हम लोग कर रहे हैं हमने इसको रिफरेंस मान लिया A को और सारी वैल्यू को एक टर्म्स में लिख रहे हैं सारी वैल्यू को एक टर्म्स में लिख रहे हैं ताकि हमको एक ईजी फॉर्मूला मिल जाए और हम लोग क्या करें बेटा उसको यूज कर सके ओके सर वीबी का पॉजिटिव सिक्वेंस जीरो सीक्वेंस पॉजिटिव सौ लिख लिया अब यहां पर क्या सर वी बी टू है आपके पास देखिएज एज हेयर वी वॉन्ट वी बी टू तो इसको कितना घुमाएंगे कि हमको वीबी टू मिल जाएगा सर इसको क्या करो अल्फा घुमा दो 120 डिग्री घुमा दोगे तो वी बी टू मिल जाएगा तो हम लोग वीबी टू को क्या लिख सकते हैं ए टू इन टू तो क्या मिल जाएगा बेटा वीबी टू क्योंकि सारी वैल्यू तो बैलेंस है ना ये भी इक्वल है ये भी ये भी भी इक्वल इक्वल है है इसको बस क्या करना है? से तक लाना तो इसमें क्या किया अल्फा से मल्टीप्लाई कर दोगे वी बी टू मिल जाएगा सर ओके okay, सर करते हैं सर आइए करते हैं डरना क्या है सर इसमें ओके okay. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर वी बी टू को लिख सकते हैं क्या सर दैट इज योर अल्फा दैट इज योर अल्फा वी ए टू हो गया सर एक इक्वेशन मिल गया हमको अब इसी तरह क्या, क्या करेंगे

यहीं देख लो बेटा यहां पर एवन है हमको सीवन तक जाना है सीवन तक जाना है सीवन तक जाना है तो कितना घूमेंगे एक सौ बीस डिग्री घूमेंगे तो हमको सीवन मिल जाएगा एवन को एक सौ बीस डिग्री घुमाएंगे तो सीवन मिल जाएगा तो घुमा देते हैं सर और यहां पर देखो बेटा सीटू निकालेंगे तो क्या होगा ए टू को एक दो सौ चालीस डिग्री घुमाएंगे दो सो चालीस डिग्री घुमाएंगे तो हमको सी टू मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे किसको ए टू को तो हमको सी टू मिल जाएगा तो आइए कर देते हैं सर आइए कर देते हैं इसको बहुत सिंपल चीज है बेटा ये अल्फा बोटा मैंने आपको बहुत अच्छी समझा रखा है कहां पे सर आपको बेसिक टूल्स में और ज्यादा बहुत, बहुत, बहुत बड़ी चीज नहीं है बहुत सिंपल आता है तो वीसी नॉट को हमने लोग नॉट लिख दिया वीसी वन को हम लोग क्या ले सकते हैं सर वी वन को ले सकते हैं यहां पर अल्फा वी ए वन और इसको वी ए टू क्या ले सकते हैं सर अल्फा स्क्वायर वी ए टू यह डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देख देख के आप लोग अपने से कर सकते हो दैट इज व्हाट वी नीडेड इसको रटना कभी मत इसको कभी मत रटना बहुत लंबा चीजें हैं और आपको समझ में आना चाहिए

प्लस अल्फा स्क्वायर वी ए टू यही तो हो गया अब देखो बेटा क्या करेंगे हम लोग इसको इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और क्या करेंगे आगे बढ़ जाएंगे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे ताकि हम लोग दीक्षा है ओके सर चलिए तो सर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता तो क्या होगा सर कुछ नहीं सर मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है रिप्रेजेंटेशन होता है बस तो सर करिए इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो आप बस क्या किया ये जो सिस्टम है ये है इसको यहां रखा दैट इज योर वी ए वी बी एंड वी सी ओके सर लिख लिया यहां पर और क्या किया बेटा यहां पर लिख दिया मैंने इसको ऐसे वन 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 ठीक है अब क्या होगा इसका मतलब आप समझिए समझिएगा अभी ठीक है वन अल्फा स्क्वायर अल्फा एंड वन अल्फा अल्फा स्क्वायर ठीक है और यहां पर लिख दिया क्या बेटा सिमेट्रिकल कंपोनेंट दैट इज योर वी ए नॉट वी ए वन एंड वी ए टू यह हमारा मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट इज द अनबैलेंस सिस्टम हैज कम component that is your positive, negative and zero component. अब देखो बेटा आपको VA1 मिल गया तो आप VB1 भी निकाल सकते हो और VC1 भी निकाल सकते हो VA2 मिल गया तो VB2 भी निकाल सकते हो और VC2 भी निकाल सकते हो VA0 मिल गया तो वी भी निकाल सकते हो और VC0 भी निकाल सकते हो तो ये फॉर्मूला पाने के लिए हमने क्या किया बेटा इस फोर्टिस का यूज किया और ये किसमें हमने यूज किया है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में क्योंकि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होता है फॉल्ट होने के बाद हमारा सिस्टम अनबैलेंस हो जाता है तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है ये डिफाइन किसके लिए है अनबैलेंस सिस्टम के लिए जैसे हमारा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा ये नेगेटिव जीरो सीक्वेंस खत्म हो जाएगा इसको मैं आपको आपको आगे प्रूफ करूंगा दिखाऊंगा इसको ओके सर चलिए तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछिए यहां तक किसी को डाउट हो कुछ भी पूछिए बेटा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी डाउट हो प्लीज पूछिए स बेटा वेरी गुड इफ यू हैव एनी डाउट ट ना हो प्लीज लेट मीन नो सो देट आई कैन क्लियर इट ओके सर चलिए वेरी गुड पूछिए बिल्कुल बिंदास पूछा करिए ठीक है सर ओके इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके सर वेरी गुड आराम से देखो बेटा मैं इसलिए करा रहा हूं इसको मैं चाहता था सिर्फ फॉर्मूला लिखवाता दो क्वेश्चन कराता आपको भी आपको खुश है कुछ नहीं बेटा आपको खुश नहीं करना है आपको एग्जाम क्लियर कराना है आपको बेटा एग्जाम क्लियर कराना है इसलिए ये सब चीजें बताई जा रही हैं क्योंकि इस पर अगर क्वेश्चंस आ गए तो आपको दिमाग में ये चीजें रहेंगी तो कभी भी आप चीजों को भूलोगे नहीं ओके सर चलिए हां बेटा फॉल्ट कैसे क्लियर करेंगे उसको भी पढ़ेंगे बेटा पहले फिर देखते फॉल्ट होने के बाद क्या हो रहा है फॉल्ट होने के बाद क्या हो रहा है पहले वो देख लेते हैं अभी फॉल्ट क्लियर करने के लिए देखा जाएगा क्या करेंगे ठीक है घर में क्या होता है फ्यूज आप लोग लगाते हो फ्यूज को फ्यूज खराब हो जाता है मेल्ट हो जाता है फॉल्ट हो गया तो क्या करते हो दोबारा जाते हो वहां पर क्या करते हो एक वायर लगाते हो पतला सा जोड़ देते हो लगा देते हो तो ठीक करते हो ना बेटा तो कैसे ठीक करते हैं देखा जाए फॉल्ट जब हो गया तो उसमें क्या क्या चीजें आपकी चीजें आई क्या करंट फ्लो किया कितना वोल्टेज आया वो सब देखने के लिए हम लोग ये फॉर्मुला हम लोग पढ़ रहे हैं इसको पढ़ लेते हैं फिर तो उसके आगे उसको देख लेंगे कि हाँ भाई उसको ठीक करने से कैसे करना है ओके सर चलिए चलो बेटा वेरी गुड आओ सर ठीक है तो ये हमको एक हमको मिल गया बेटा क्या अन ये क्या हमारा सिस्टम क्या अनबैलेंस ये क्या सिमेट्रिक ये क्या बेटा इसको लिख लेंगे यहां पर ठीक है यहां आप लिख लेंगे ताकि आप लोग याद रहे ये क्या है बेटा अनबैलेंस ये अनबैलेंस सिस्टम था हमारा ठीक है ये अनबैलेंस सिस्टम था इसको हमने तोड़ दिया किसमें बेटा बैलेंस सिस्टम और को फेजर में जिसको हम लोग बोल रहे हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट बोलते हैं हम लोग क्या बेटा सिमेट्रिकल कंपोनेंट इसको बोलते क्या है बेटा सिमेट्रिकल कंपोनेंट जो कि हमारा क्या है दो बैलेंस है और एक क्या है को फेजर को फेजर मतलब क्या होता है तीनों एक ही फेज में तीनों एक ही फेज में दैट इज नोन एज योर को फेजर बट देयर वैल्यूज आर इक्वल ओके सर चलिए और ये भाई साहब हमारे इन टर्म्स ऑफ अल्फा अल्फा भाई साहब यही हमारी मदद करते हैं इनके बीच में रिलेशन निकालने के लिए यही भाई साहब है अल्फा ऑपरेटर मैंने कहा कि रियल हीरो कौन अल्फा ऑपरेटर इन्हीं का यूज करके हमने क्या किया अनबैलेंस सिस्टम को और बैलेंस सिस्टम को क्या किया रिलेट किया ताकि हमारा क्या हो वैल्यू आसानी से निकल सके ओके सर चलिए वेरी गुड अब सर क्या किया अब हम क्या करते हैं ये इसको ऐसे मान लेते हैं इस मैट्रिक्स को ऐसे मानते हैं जैसे मान लो इसको इसको ऐसे लिखते हैं कैसे लिखोगे सर लिखो जल्दी से

रोवेंस कंपोनेंट पॉजिटिव सिक्वेंस एंडेटिव सिक्वेंस कंप्लेट इसकी वैल्यू जो आई बताया इसका इन ए इनवर्स निकालोगे तो क्या आएगा सर वो मैं डायरेक्टली आप लिख दे रहा हूँ ठीक है उसका कोई निकालने निकाल की जरूरत नहीं है इट योर वन बाय थ्री वन 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 अल्फा अल्फा स्क्वायर एंड वन अल्फा स्क्वायर अल्फा ठीक है चलिए वेरी गुड सो This is your the value of what symmetrical components in term of VA, VB and VC. VA, VB and VC. तो अब मैं यहां से पूछूं बेटा अब मैं देखो यहां से पूछूं आपको अभी नहीं पूछूंगा अभी नहीं पूछूंगा अभी मैं ऐसे ही निकालता हूं जगह तो देखो ये वोल्टेज के लिए हमने रिलेशन निकाला है इसी तरह आप लोग करंट के लिए भी रिलेशन निकाल सकते हो सेम आंसर आएगा बस क्या होगा वी ए वी बी बी, बी सी की जगह आई ए आई बी आ जाएगा और यहां पे आई ए नॉट आई बी नॉट नॉट आ जाएगा देखो करते हैं सर इसको इसको हम लोग करंट के फॉर्म में लिख लेते हैं ठीक है इसको करंट के फॉर्म में लिख लेते हैं दैट इज योर आई ए नॉट पॉजिटिव कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ एंड जीरो सिक्वेंस पॉजिटिव सिक्वेंस एंड निगेटिव सिक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करेंट इज इक्वल टू वन बाय थ्री वन बाय थ्री वन 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 अल्फा अल्फा स्क्वायर एंड वन अल्फा स्क्वायर अल्फा टाइम्स ये हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा सर आपका तीनों फेस करंट आ जाएगी जो कि अनबैलेंस है दैट इज योर आई ए आई बी एंड IC सेम तरह से तो ये भी निकल के ऐसे सी चला, निकल के चलाता है अब यहां पे देखिए बेटा जो जीरो सीक्वेंस करंट है जो जीरो वैल्यू आपसे तो कितना होगा आई ए नॉट इक्वल टू कितना वन बाय थ्री वी ए आई ए प्लस आईबी प्लस आई सी इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी

तो आईए वन इज इक्वल टू हाउ मच आई ए वन इज इक्वल टू वन बाई थ्री यही से निकालते हैं बेटा पे ये रिलेशन आपको अगर याद है बेटा तो कभी भी आप लोग क्या करोगे गलती नहीं करोगे पर कैसे आया वो आपको जानना बहुत जरूरी है ओके सर चलिए वेरी गुड तो सर आई ए वन कितना होगा सर आई ए टू कैसे निकाला सर वन इसको देखो आई ए वन या आईए प्लस अल्फा आई बी प्लस अल्फा स्क्वायर आई सी सिंपल तो है प्लस अल्फा स्क्वायर आई सी प्लस अल्फा स्क्वायर आई सी यहां पर अल्फा स्क्वायर आई सी ठीक अब यहां पर देखो अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा अब थोड़ा ध्यान से जरूर सुनिएगा ये आई ए वन है मतलब क्या phase A. Phase A है ये पॉजिटिव सीक्वेंस करेंट ऑफ फेज ए फेज ए का पॉजिटिव सिक्वेंस करेंट है अब हमको चाहिए क्या सर हमको आई ए वन हमको मिल गया हमको आई बी वन चाहिए हमको आई बी वन चाहिए पॉजिटिव सिक्वेंस करंट ऑफ बी फेज और पॉजिटिव सिक्वेंस करंट ऑफ सी फेज तो हमने देखा बेटा आपको बताया कि हमारा जो पॉजिटिव सिक्वेंस कंपोनेंट है यहां पर देखिएगा आ जाओ भाई थोड़ा सा नीचे आ जाओ हाँ जल्दी से आ जाओ बच्चों को समझाना है जल्दी से हाँ अब देखो बेटा यहां पर हमने कहा कि हमारा ये सिस्टम बैलेंस है हमारा ये सिस्टम बैलेंस है हमको ये आई ए वन मिल गया हमको बेटा ये आई ए वन मिल गया हमको ये आई ए वन मिल गया सिस्टम बैलेंस है इसमें हम लोग अल्फा स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दे तो आईसी वन मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे आई बी वन मिल जाएगा तो यही खासियत होती है बैलेंस सिस्टम की कि उसमें क्या किया एक वैल्यू निकाल लो और अल्फा अल्फा स्क्वायर का यूज करके दूसरा और तीसरा फेज भी निकल जाता है इसलिए हमने क्या किया इस अनबैलेंस सिस्टम सिस्टम को बैलेंस में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ थ्योरम इसी तरह क्या है सर हमने आई ए टू निकाल लिया है अब उसमें क्या करेंगे अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई बी टू निकल जाएगा अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आईसी टू निकल जाएगा

मिठाई तब बटवाएंगे जब हमारा इंटरव्यू में निकल जाए तो इंटरव्यू में कैसे निकलेगा सर वहां पे तो आपसे पूछेगा नहीं कि हाँ वट वट इज द स्किन इफेक्ट ऑप्शन ए दिस ऑप्शन बी दिस ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी दिस नहीं वहां पर आपसे पूछेगा रूबरू कराएगा आपसे अच्छे से बैठ के तो रूबरू करना है तो ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी बेटा सिर्फ प्री निकालने से या फिर सिर्फ रिटर्न निकालने से कोई फायदा ना है को फायदा ना है ना फायदा है बेटा उसमें उसको अच्छे से पढ़े के पढ़ी पढ़ाई के पढ़ी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके सर चलिए वेरी गुड चलो सर अच्छा क्या आपने बता दिया अब बेटा हम लोग से शुरू करेंगे चीजों को देखना अब चीजों को आप देखना ये से बेटा बताओ आई वन आई सी आईसी वन निकाल लोगे हाँ सर निकाल लेंगे बड़ा सिंपल है कोई दिक्कत ना है इसमें उसमें कोई दिक्कत ना है आगे बताओ सर इस तरह देखो बेटा मैं आपसे पूछू ये मैट्रिक्स अगर आपको याद हो जाएगी याद हो जाएगी अगर आप लोग अपने से करोगे तो याद हो जाएगा आईए टू कितना होगा सर वन बाय थ्री आईए प्लस अल्फा स्क्वायर आई भी प्लस अल्फा आईसी लिख लेते हैं बेटा यहां पे लिख लेते हैं ताकि हम लोग को चीजें समझ में आएगी ओके सर ओके वेरी गुड चलिए सर आइए देख लेते हैं आई ए टू दैट इज योर निगेटिव सिक्वेंस करंट विल बी इक्वल टू थ्री आई ए प्लस क्या होगा सर यहां मैट्रिक्स में देखते रहते हैं ठीक है ना कुछ भी रटना नहीं है अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आई बी प्लस अल्फा आई सी प्लस अल्फा आईसी ओके सो दिस थ्री फॉर्मुला आर वेरी इंपॉर्टेंट अभी हमें वोल्टेज लोगे तो वोल्टेज का भी रखोगे नॉट नॉट और इन टर्म्स ऑफ V -B -V -B दोनों में सेम चलेगा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी लेकिन याद कर रखना बेटा आपको जीरो सिक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करेंट इज इक्वल टू तो वन बाई थ्री आईए प्लस आईबी प्लस आईसी अब देखो बेटा अब थोड़ा सा ध्यान अब आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देखने को मिलेगा यहां पे क्या सर प्रैक्टिकल अप्रोच देखने को मिलेगा अब थोड़ा सा पांच मिनट ध्यान से बैठिएगा और जो बताने वाला हूं उसको बेटा ऑब्जर्व करना आप लोग क्या बताने वाला हूं ठीक है सर ओके आइए सर देखते हैं आइए से देखते हैं आप जो ऑब्जर्व करा रहे हो करा लो ताकि हम लोग भी क्या करें उसको चीजों को समझ जाए ओके इनको भाई साहब क्या करते हैं इनको थोड़ी देर के लिए रिमूव करते हैं ये जो, जो जीरो, है ये जीरो, तो जीरो है ना भैया ये जीरो नाम ही जीरो काम बड़ा हीरो वाला है इनका ठीक है तो इनका हीरो वाला काम देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे सर ओके इसको हम लोग नए वाले डायग्राम में लिख लेते हैं सर आई थ्री आई ए नॉट जो जीरो सिक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट है वो कितना था बेटा वन बाई थ्री आई ए प्लस आई बी प्लस ठीक याद करिए अब याद करिए वो दिन याद करिए वो समय जब मैंने आपको पढ़ाया था कि बैलेंस सिस्टम में द फेजर सम ऑफ वोल्टेज और करंट इज इक्वल टू जीरो होता है बैलेंस सिस्टम में क्या होता है सर बैलेंस सिस्टम में क्या होता है बैलेंस सिस्टम में क्या होता है सर याद रखिएगा द फेजर सम ऑफ आई ए प्लस आई बी आईसी इज इक्वल टू जीरोक्वल टू जीरो होता है जब सिस्टम क्या होता है बैलेंस होता है जब सिस्टम क्या होता है सर बैलेंस होता है जब सिस्टम क्या होता है सर बैलेंस होता है उस केस में सम क्या होता है तीनों करंट का क्या होता है बराबर होता है जीरो के या फिर न्यूट्रल वायर लगी होगी तो वो बराबर कितनी होता है न्यूट्रल वायर के बराबर होता है बैलेंस सिस्टम में इन तीनों का करंट का जो सम होता है वो जीरो होता है तो जैसे ही आपका सिस्टम अनबैलेंस बैलेंस हुआ तो तीनों का सम जीरो हो जाएगा जब तीनों का सम जीरो हो जाएगा तो बेटा आपका जीरो सिक्वेंस हो जीरो, हो जीरो होता है तो मैंने इसलिए आपको बताया बेटा कि बैलेंस सिस्टम में आपको जीरो सिक्वेंस निगेटिव सिक्वेंस की बात करनी ही नहीं है क्योंकि बैलेंस सिस्टम में जीरो सिक्वेंस होता है होता ही नहीं है जीरो हो जाता है बैलेंस सिस्टम में बेटा पॉजिटिव किसी बात होती है निगेटिव जीरो की बात नहीं होती पॉजिटिव की बात नहीं होती सिर्फ एक फेज की बात होती है

बैलेंस सिस्टम में इसलिए आप बाहर रखते आपकी तार जारी होती है आर वाई बी और नीचे जाती है पतली सी तार न्यूट्रल वायर तो जो न्यूट्रल वायर का साइज होता है दैट इज हाफ ऑफ द फेज वायर क्यों होता है क्योंकि न्यूट्रल करंट में क्या होता है न्यूट्रल वायर में क्या होता है जब कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है तो उसको मोटा बनाने की क्या जरूरत है मोटा बनाओगे तो ज्यादा खर्चा होगा जब बैलेंस सिस्टम है आपका बेटा उसके साथ न्यूट्रल करंट तो फ्लो करेगा नहीं जब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो उसको मोटा वायर बनाने की क्या जरूरत उसको हम लोग पतला बनाते हैं दैट इज हाफ ऑफ ऑफ द द साइज फेज वायर बस है वी तो चीजों को ऑब्जर्व किया करो कि भैया वहां पे पतली वायर क्यों है न्यूट्रल वायर की जो वायर है वो पतली वायर क्यों होती है दिस इज द रीजन वायर द साइज ऑफ द न्यूट्रल वायर इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ द फेज वायर बिकॉज इन केस ऑफ बैलेंस सिस्टम देर इज नो एनी करंट फ्लोइंग इन द न्यूट्रल वायर ओके okay? चलो सर ओके okay सर ओके okay, ठीक है ठीक है और कुछ बताएंगे सर हाँ बेटा पे और अनबैलेंस अन हो गया हमारा सिस्टम क्या, हुआ सर, हो गया, उसके क्या होगा आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो और अगर न्यूट्रल लगा हुआ है सर न्यूट्रल वाल लगी हुई है

जीरो सीक्वेंस करेंट इन केस ऑफ अनबैलेंस सिस्टम इन केस ऑफ अनबैलेंस सिस्टम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यू शुड रिमेंबर बिकॉज दिस इन वन ऑफ ऑफ द इंटरव्यू ए एग्जाम ये रिलेशन है ये किसके लिए ट्रू है बेटा ये रिलेशन ट्रू है जब आपका सिस्टम क्या है अनबैलेंस है जब सिस्टम आपका अनबैलेंस सिस्टम है उस केस में बैलेंस सिस्टम में तो जीरो सीक्वेंस करंट क्या होता है आपका दैट इज योर जीरो न्यूट्रल में करंट कितना होता है जीरो होता है सो यू विल ऑलवेज रिमेंबर इन द न्यूट्रल वायर The current which is flowing is 3 times the 0 sequence current. Are you able to understand whatever I am saying? In case of unbalanced system or unsymmetrical fault, the better unsymmetrical fault system unbalanced. So, in case of unbalanced condition, the current flowing in the neutral wire is three times the zero sequence current.

आई बी आईसी की वैल्यू रखो इन टर्म्स ऑफ अल्फा अल्फा स्क्वायर और आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा यही आ जाएगी दैट क्या रिलेशन आ जाएगा सर उसको यहां पे मैं लिख देता हूं इसको ध्यान रखिएगा इन 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 न्यूट्रल वायर इन न्यूट्रल वायर ओनली ओनली जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो ओनली जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो only zero ओनली जीरो सिक्वेंस करंट फ्लो जीरो सिक्वेंस in case of ऑफ इनकेस ऑफ दिस इज ऑल्सो इंपोर्टेंट इनकेस ऑफ अनबैलेंस कंडीशन इन केस ऑफ अनबैलेंस कंडीशन अनबैलेंस कंडीशन के बार 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 इसे बोल रहा हूं कि किसको दिमाग में याद रखना है बच्चे इसी को भूल जाते हैं कि अनबैलेंस कंडीशन केस में क्या होगा न्यूट्रल वायर में सिर्फ और सिर्फ जीरो sequence करंट फ्लो करेगा आपका पॉजिटिव एंड निगेटिव करंट फ्लो नहीं करता है किसमें सर न्यूट्रल वायर में न्यूट्रल वायर में इसको दिमाग में गार्ड बना के रख लीजिएगा बहुत सिंपल ना बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा और जो करंट होगी जो न्यूट्रल में करंट होगी वो कितनी होगी सर वो होगी थ्री टाइम्स द जीरो सिक्वेस करंट वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड वेरी सिंपल इसको आप, आप लोग बेटा घर में क्या करोगे आईए आई बी आई को क्या रखोगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रखोगे ना बेटा तो कट पिट के आपका सिर्फ आईए नॉट ही बचेगा आई नॉट बचेगा इट मीन दैट देयर इज ओनली ओनली जीरो सिक्वेंस करंट फ्लोइंग इन दिस न्यूट्रल वायर ओनली जीरो सिक्वेंस करंट और कब सर सिर्फ और सिर्फ अनबैलेंस सिस्टम में इसको मैं बड़ा कर देता हूं ध्यान रखिएगा इसको इसको कहते हैं न्यूट्रल करंट इसको कहते हैं न्यूट्रल करंट इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बहेगा सिर्फ और सिर्फ बहता है बेटा इसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या फ्लो करता है इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लो करता है बेटा आपका दैट इज योर जीरो सिक्वेंस करंट आई आईए नोट बी नॉट एंड आईसी नॉट डी बी नॉट और आईसी नॉट बेटा इसमें कभी भी फ्लो मत कराना ठीक है सर इसको याद रखिएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो करंट फ्लो करती है और कितनी करती है सर आई एन इज इक्वल टू आई एन इज इक्वल टू थ्री टाइम्स आई ए नॉट बड़ा बड़ा इस, इसलिए लिखना इसको याद रखिएगा इस पर रिलेशन में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और मैं चाहता हूँ इसको दिमाग में आपके चीजें बैठ जाए ओके तो ये चीज याद रहेगी आप लोग को ओके बेटा वेरी गुड अब आइए बेटा क्या करेंगे इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों को चीज समझ में आए कि हाँ हमने क्या किया हुआ ध्यान से सुनिएगा हमने क्या किया सर हमने कुछ नहीं किया सर हमने क्या किया सर फॉल्ट को दो पार्ट में तोड़ा एक क्या होता है सर सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल लाइन टू फॉल्ट और ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट वो क्या होता है उसके हमारा जो सिस्टम होता है उस फॉल्ट के केस में फॉल्ट होने से पहले भी बैलेंस होता है और फॉल्ट होने के बाद भी बैलेंस होता है तो वहां पर यह सिमेट्रिकल कंपोनेंट का खेल नहीं होता है वहाँ पे सिमेट्रिकल खेल नहीं होता है जब मैं आपको, तो आपको दिखाऊंगा नहीं आएंगे अनबैलेंस सिस्टम में और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में क्योंकि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में हमारा जो सिस्टम होता है वो बैलेंस से अनबैलेंस हो जाता है फॉल्ट के बाद क्या होता है हमारा सिस्टम बैलेंस से अनबैलेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो जो अनबैलेंस सिस्टम हो जाता है

और सेम रिलेशन देगा ये फॉर्मूला जो कि हमारे लाइन में फॉल्ट होने के बाद होता है तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखना है इट विल गोइंग टू हेल्प यू इन केस ऑफ एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड इन केस ऑफ आफ्टर एग्जामिनेशन इफ यू हैव एनी एग्जाम और इंटरव्यू इन दैट प्लेस ऑल्सो यू विल गोइंग टू फेस दिस ऑफ प्रॉब्लम तो बेटा सिलेक्शन चाहिए पूरा चाहिए सिलेक्शन पूरा चाहिए बेटा ये नहीं होता कि हाँ, प्री का निकल गया तो क्या हुआ सर हो गया चलो हमारा हो गया हमारे, हमारे हमारे फादर बताते हैं हमारे फादर बताते हैं कि वो उनके गांव में ना जब दस पंद्रह बीस साल पहले पच्चीस साल पहले क्या होता था यूपीएससी की तैयारी होती है है ना तो उसके उसके वहां पे ऑनलाइन नहीं होता था उसके इसमें ऑनलाइन वहां पे सिस्टम नहीं होता था तो लोग फॉर्म भरते थे पेपर का फॉर्म होता था भरते थे भेजते थे तो यूपीएससी का फॉर्म भरते भेजते थे तो यूपीएससी का अगर एडमिट कार्ड आ जाता था तो पूरे गाँव में हल्ला हो जाता था कि हाँ यूपीएससी का बच्चे का एडमिट कार्ड आ गया है तो ऐसा मतलब हल्ला हो जाता था बच्चा और लोग उसी को दिखा के अपना दहेज लेते थे हाँ, देखो मेरा एडमिट एडमिट कार्ड कार्ड आ गया, का, का कार्ड आ गया गया यूपीएससी यूपीएससी का का ठीक है तो बेटा एडमिट कार्ड सिर्फ आ जाने से प्री निकल जाने से फायदा नहीं बेटा हमको पूरी चीजें चाहिए हमको फाइनल सिलेक्शन चाहिए फाइनेस नहीं कि हाँ एक सीढ़ी चढ़ गए तो हाँ बहुत बड़ा तीर मार लीजिए नहीं, नहीं बेटा तीर मारना है उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है थोड़ा सा और मेहनत करने है वर्क करना है ताकि हम लोग आगे निकल जाए तो वो अलग किस्सा खत्म हो गया कि हाँ भाई एडमिट कार्ड आ गया चलो बहुत बड़ी बात हो गई यूपीएससी का एडमिट कार्ड आ गया अरे वाह ठीक है ना चलिए वेरी गुड सो दिस इज इज ऑन दिस द रीजन व्हाई आई एम टीचिंग दिस इन सो डेप्थ सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी ईच बिट ऑफ दिस एवरीप्ट हर बिट को समझिए बेटा कि हर बिट यहां पर इंपॉर्टेंट है क्या सर बैलेंस सिस्टम में इज नो एनी यूज ऑफ कंपोनेंट वेदर इट इज पॉजिटिव निगेटिव और जीरो यूज दिस कंपोनेंट पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो ओनली इन केस ऑफ अनेट्रिकल फॉल्ट वेयर अवर सिस्टम बिकम अनबैलेंड ओके चलिए वेरी गुड आ जाओ अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं सर और इसको बेटा क्या करिएगा अपने से कॉपी में करिएगा यह नहीं कि हाँ सर आपने करा दिया था हाँ हो गया होगा हो, नहीं बट अपने कॉपी में करोगे तभी क्या होगा ये आप लोगों को पढ़ा हुआ सक्सेसफुल रहेगा और याद कर रखना सर न्यूट्रल वायर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव करेंट नहीं फ्लो करता है न्यूट्रल वायर में सिर्फ और सिर्फ जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो करता है ड्यूरिंग अनबैलेंस कंडीशन और अनुसोक्स करते हैं कि आप लोग से कोई पूछे आप लोग बता देना यह सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन फुलफिल है सिर्फ और सिर्फ अनबैलेंस कंडीशन के लिए ओके चलिए अब यहां से एक क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे यहां से किसी को कोई दिक्कत हो प्लीज पूछिएगा यहां तक किसी वो को दिक्कत है कछु दिक्कत हो कछु दिक्कत हो पूछा पूछेंगे ठीक है माशाला क्या क्या कमेंट लिख रहे हैं आप लोग वाह वाह वेरी गुड हाँ बेटा मैंने कहा ना बेटा ट्रिकी मैथ, आप क्या करो आई ए प्लस आईबी प्लस आईसी लिखा हुआ बेटा वहां आईबी को आई ए आई ए वन आई ए नॉट आई ए टू आई नॉट तोड़िएगा वो वहां पे क्या बन जाएगा वन प्लस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा आईबी और आईसी के साथ वहां पर क्या आ जाएगा वो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी और सिर्फ और सिर्फ आइए नॉट बजेगा मैं इसलिए इसलिए नहीं करा नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको करो क्या करना है सर कुछ नहीं सर ये देखिए यहां पे यहां पे देखिए बेटा यहां पे क्या करना है आपको कहा ठीक है ये देखिए हाँ चलो अच्छा पीछे चल गए भाई साहब दैट इज योर ठीक है हु। पीछे मैंने लिखवाया यहां पर ठीक है ना बेटा यहां पर ये देखिए ये यह रिलेशन यहां पे लिखवाया बेटा मैंने आपको ठीक है इसमें क्या करिएगा सिर्फ आप लोग ठीक है इस रिलेशन की यूज करके देखिए जैसे यहां पे है मैंने क्या किया यहां पे लिख दिया यहां पे आइए लिख दिया मान लीजिए मैंने यहां पे आइए लिख दिया बेटा इसको आप लोग घर से खुद करिएगा लिख दिया मान लीजिए आईए कल टू लिख दिया दैट इज योर ए नॉट इज इक्वल टू वन बाई थ्री आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी ठीक है इसको पुट करिएगा वैल्यू यहां पे इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा और अल्फा स्क्वायर आपको सारी वैल्यू करके मिल जाएगी और आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ आई जीरो सिक्वेंस ही दिखने को मिलेगा तो मैंने कहा कि कुछ चीजें आप लोग अपने से करेंगे तो वो चीजें आप लोग ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी एज कंपेयर टू माई मैंने तो इसको इतनी बार कर लिया कि भैया मुझको ये सब चीज याद हो गई तो आप भी क्या करोगे दो तीन बार इसको पढ़ लोगे तो ये चीज अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे ओके सर चल वेरी गुड आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर टू एवरीवन बेटा ये इसको क्लियर करना है आपको एग्जाम पूरा क्लियर करना है फिफ्टी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट नहीं ठीक है इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा ओके सर नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस यू शुड एटलीस्ट ट्राई ट्राई करिए क्या होगा उसको हम आगे देखेंगे सर ओके सर वेरी गुड चलिए ओके बेटा ओके वेरी गुड सो मैं क्वेश्चन आपको बेटा रिलेशन आप लिख देता हूं आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपना बताइएगा ठीक है सर चलिए आई ए नॉट पॉजिटिव जीरो कंपोनेंट ऑफ पॉजिटिव सिक्वेंस एंड निगेटिव सिक्वेंस याद रखना है अल्फा अल्फा स्क्वायर वन अल्फा स्क्वायर अल्फा इसको याद रखेंगे बेटा हमेशा दिस इज द रिलेशन ऑफ सी मेटिकल इन टर्म्स ऑफ अनबैलेंस करेंट दैट इज योर आई ए आई बी एंड आई सी ठीक है तो यहां से बेटा हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग यहां से फॉर्मूला करेंगे क्वेश्चन करेंगे और इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को देखेंगे यहां क्वेश्चन कैसे आते हैं ताकि आप लोग बेटा दिमाग में इसको हमेशा याद रखिएगा ओके सर चलिए वेरी गुड वेरी गुड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके सर ओके चलिए सिंपल क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा इसको और उसी के अकॉर्डिंग करिएगा फाइंड द फाइंड द क्या पूछा था फाइंड द जीरो सीक्वेंस करंट जीरो सीक्वेंस करंट क्या पूछा था सर जीरो सीक्वेंस करंट जीरो सीक्वेंस क्या होता है सर तुरंत माइंड यहां पर अच्छा आई ए पूछ रहा है फाइंड द जीरो सिक्वेंस करेंट ऑफ द सिस्टम हैविंग हैविंग आई ए इज इक्वल टू हैविंग आई ए इज इक्वल टू मैं एक एग्जाम का क्वेश्चन दे देता हूं आपको ठीक है आई ए इज इक्वल टू ट्वेल्व प्लस जे सिक्स आई बी इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व माइनस जे ट्वेल्व एंड आई सी इज इक्वल टू एंड आईसी इज इक्वल टू एंड आई सी इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन प्लस जे टेन ठीक है ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्या रहा है कि भैया बताओ मुझे कि आई ए नॉट आप पूछ क्या रहा है सर पूछ क्या रहा है सर मैं बदल देता हूं पूछ रहा है आई ए नॉट आई बी नॉट एंड आई सी नॉट तो कंफ्यूज करने के लिए वो तीनों वाले को बताएगा लेकिन आपको पता है एक वैल्यू निकाल लिए वही क्या बेटा इसके बराबर भी होगा और इसके बराबर भी होगा तो बोल रहा है कि जीरो करिए अगर अनबैलेंस सिस्टम हमारा जो वैल्यू है वो आई ए ये दिया हुआ है कोशिश करिए बताने की और हमको बताइए कि हां सर आंसर कितना आएगा ओके बेटा ओके, ओके ओके वन बाय थ्री वहां पर लिख लीजिएगा

And you have to give the answer. क्या आंसर होगा इसका जल्दी से बताएंगे ओके वेरी गुड वेरी गुड बेटा चलिए ओके बेटा वेरी गुड ठीक है ठीक है ठीक है वेरी गुड तो सर आपने बताया अभी अभी बताया सर क्या बताया सर आपने कि जो आपकी आई नॉट वैल्यू होती है इज़ जीरो से करंट की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू हा मच बेटा आई ए नॉट इज इक्वल टू वन बाय थ्री द सम ऑफ ऑल द फेजर करंट विच आर अनबैलेंसड इज आईए प्लस आई बी प्लस आई सी ये फॉर्मूला निकालोगे कर ले जाओगे हो जाएगा ये फॉर्मूला याद करना आपका मेन मोटिव था इसको ध्यान रखिएगा अब क्या करेगा अब इसकी जगह मान लो ये जो वैल्यू दी हुई है मैंने थोड़ा सा कठिन कर दिया मैंने क्या किया बेटा इसको थोड़ा सा कठिन कर दिया मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू को मिटाया यहां से मैंने क्या किया इसकी वैल्यू को यहां से मिटाया और इसको ऐसे लिख दिया इसको मैंने क्या किया बेटा कैसे लिख दिया इसको मैंने लिख दिया टेन एंगल टेन एंगल फोर्टी फाइव डिग्री इसको मैंने पोलर फॉर्म में लिख दिया आधे बच्चे क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे आधे बच्चे यहां पे छोड़ेंगे लेकिन इसलिए मैंने क्या किया आपको पोलर से रेक्टेंगुलर फॉर्म कराना सिखाया था बेसिक टूल में रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्म में बदलना बताया था आपको कहां पर बेसिक टूल में तो वो सब सिखाया किस लिए देखो इतना बड़ा क्वेश्चन यहां पे आया वहां पे इसका यूज आ गया किसका बेसिक टूल का रेक्टेंगुलर टू पोलर फॉर्म पोलर फॉर्म टू रेक्टेंगुलर फॉर्म तो देखो यहां पे क्या किया मैंने आईए को पोलर फॉर्म लिख दिया लेकिन तो अगर तुमको चीजों को एड करना है तो उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको कैल्सियम वहां नहीं मिलेगी इसलिए मैंने पोलर से रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर से पोलर सब इसलिए सिखाया बेटा कि उसका यूज करो आप लोग यहां पर पावर सिस्टम में और कहीं भी यूज कर सकते हो इसलिए मैंने आपसे कहा बेटा चीजों को सीक्वेंस में देखिए हमारी पूरी वीडियोस रिकवर हो चुकी है जेनेरिक ए जे चैनल पर जाइए उसको देखिए नोट्स बनाइए कॉन्सेप्ट को सीखिए और फिर सारा वो पूरे पावर सिस्टम में आपको उसका यूज देखने को मिलेगा अब मैंने यहां पर क्या किया टेन एंगल फोर्टी कर दिया अब बच्चे इसका तो जान गए इसका बेटा आप समझ में आए इसको एड कर सकते इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करना ही पड़ेगा अब बच्चे सोचेंगे क्या होगा टेन कॉस या साइन साइन कॉस क्या क्या ये वो और थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट करेंगे टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा एग्जाम में जितना टाइम वेस्ट करना है, यहां पर कर लो, लो, okay, so, आपका आई ए नॉट क्या होगा जीरो आप लोग मुझे बताइएगा इसको पोलर फॉर्म में कर दिया इसको भी पोलर फॉर्म में कर देता हूं इसको रहने देता हूं रेक्टेंगुलर फॉर्म देता हूं तब क्या होगा आपकी वैल्यू बताइएगा सीखिए अपने से करो बेटा इसको करोगे तो बेटा क्या होगा चीजें समझ में आएंगी करत करत अभ्यास डैश 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 ओके सर सो करना है बेटा बेसिक टूल में जाइए आपको पोलर फॉर्म फॉर्म समझ में नहीं आता है पढ़ो वहां से पावर का प्लेलिस्ट में जाइए चैनल पर वहां देखिए सीखिए नोट बनाइए और आगे बढ़िए बेटा ओके okay? चलो वेरी गुड सो इफ आई सेफ आई से दैल्यू वट विल से दिस इजन कॉस फोर्टी फाइव कॉस फोर्टी फाइव प्लस जे साइन फोर्टी फाइव पुट करेंगे आंसर निकालेंगे हो जाएगा ओके सो दिस दिस ऑल द केसेस विच यू शुड रिमेंबर ये कैसे चीजों को समझना जब यहां तक तो पहुंच के फॉर्मूला आते हुए भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना बेटा क्वेश्चंस को सही करके आना है इसलिए आप लोग सीक्वेंस चीजों को देखते हुए आइए ओके चलिए वेरी गुड सो आई थिंक अपडील ना हो यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग सर हमने क्या किया हमने फॉर्मूला जनरेट कर लिया क्या कर के लिए अनबैलेंस सिस्टम में अपने अनबैलेंस कंपोनेंट्स हैं जो आई ए आई आई बी सी है उसको फॉर्मूला यूज करके हम लोग इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म्स में सिमेट्रिकल कंपोनेंट दैट इज नोन एज योर जीरो सीक्वेंस पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस उसको अच्छे से डिराइव करिएगा क्योंकि उसको डेरिवेशन आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और उसके अकॉर्डिंग आप लोग सारे रिलेशन निकाल सकते हो ओके okay? सो so, इसको देख लीजिएगा अब हम लोग क्या करेंगे सर अब हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे इस पर इसको ध्यान रखिए इस पर हम लोग अब क्वेश्चन करने वाले हैं इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा ओके okay? चलिए तो चलिए बेटा आप लोग क्वेश्चन करते हैं यहां तक किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछिएगा यहां तक किसी को डाउट हो प्लीज पूछिएगा अदरवाइज वी शुड मूव फॉरवर्ड ओके आई थिंक एवरीवन हैज क्लियर दिस डाउट ओके सर वेरी गुड दैट इज वेरी इंपोर्टेंट तो यह सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए और इसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या सर बढ़ेंगे देखो अब हमको हमारा अनसिमेट्रिकल जो फॉल्ट हुआ है उसको हमने इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकाल लिया निकाल लिया निकाल लिया सर अब हमको क्या चाहिए हमको एक नेटवर्क चाहिए एक हमको नेटवर्क चाहिए जिसको हम बनाएंगे उसको यूज करेंगे और ये सब वैल्यू रखेंगे आई ए नॉट आई ए वन आई ए टू की वैल्यू रखेंगे और हमारा केसीएल केवीएल नोड मैच लगा के सारी वैल्यू निकाल लेंगे और एग्जैक्टली exactly वही वैल्यू निकलेगी हमारी कॉपी में जो कि फॉल्ट होने के बाद हमारी लाइन में करंट फ्लो करती है यही मेन रीजन है बेटा बटी हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमारा क्या थियोटिकल चीजें हैं जिसको यूज करके हम लोग exactly वही वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि हमारे प्रैक्टिकल लाइन में हो रही है चीजें तभी ना आप लोग यहां सक्सेसफुल इंजीनियर ऐसा सुन लो कि हाँ यहां पर कैलकुलेट किया है दो एमपियर है वहां सो बह रहा है तो, तो फॉर्मूला का आपका गलत हो गया तो इस सब आप जो पढ़ रहे हो इस पर रिसर्च की गई बेटा इस पर रिसर्च की गई है आप लोगों को तो रिसर्च चीजें बस दे दी गई है आप लोग उतना भी नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा जो हमारे इंजीनियर रह चुके हैं बड़े बड़े इंजीनियर जो पहले स्टार्टिंग में थे उनको सोचिए कितना समय लगा होगा इस करने में पढ़ने में तैयार करने में कितनी गलतियां की होगी उन्होंने और आपको सिर्फ रिजल्ट मिल रहा है तो ये रिजल्ट मिला है एक दो पेज का तो इसको बेटा अच्छे से करने में क्या डर रहा है इसको अपने से दो तीन बार सीख लीजिए अपनी कॉपी में कर लीजिए रफ कॉपी में दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ कैसी चीजें आई हैं ओके okay? चलिए सो so, आपका होमवर्क क्या रहेगा सर होमवर्क ये रहेगा आपको पता है कि सर आपको पता है सर कि जो न्यूट्रल करंट होता है दैट इज इक्वल टू सम प्लस आई बी प्लस आई सी ये होता है ध्यान से करिएगा इसको अनबैलेंस केस में क्या होता है ये होता है सिस्टम सर ठीक है अब क्या करना है इसको आईए को इन टर्म्स ऑफ किसमें तोड़ना है सर आपको आई ए नॉट आई ए वन और आई ए टू इसी तरह इसको भी तोड़ेंगे किसमें सर तीन पार्ट में और इसको भी तीन पार्ट में तोड़ोगे तो आपको देखोगे कि इसका जो सम आएगा इसका जो सम आएगा वो किसके बराबर होगा बेटा वो बराबर होगा आपका थ्री टाइम्स आई ए नॉट थ्री टाइम्स आई ए नॉट इसको करिए घर में बैठ के ऐसा रिलेशन निकल के आएगा बीच में वन प्लस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा ये क्या कर देखा कर देगा इसको और इसको आई बी को या आई को और

सबको आई ए वन नॉट आई एन आई टू के टर्म्स रखिएगा सबको और आपको वैल्यू निकल के आएगी दैट द्री टाइम्स आई ए नॉट तो सीखिए बेटा करना सीखिए दोनों तरफ से मेहनत होनी चाहिए तभी सिलेक्शन होगा बेटा ओके चलिए सो नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग दिस फॉल्ट एंड जो कल के दस क्वेश्चन बच गए थे उसको भी आज ही आज ही लपेट लेते हैं कर लेते हैं ओके okay, सर चलिए वेरी गुड सो नाउ द क्वेश्चन आर हेयर क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं ठीक है सर चलो यहां पर बेटा एक चीज और सीख लीजिएगा इस डायग्राम में एक चीज और सीख लीजिएगा क्या सिखाएंगे बताइए एक चीज और सीख लीजिएगा आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा फॉल्ट बहुत जल्दी जल्दी होता है मोस्ट 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 फ्रीक्वेंटली जो फॉल्ट होता है वो कौन सा होता है मोस्ट मोस्ट जो फ्रीक्वेंटली फॉल्ट होता है कौन सा होता है जो बहुत जल्दी हो जाता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली फॉल्ट कौन सा होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली सबसे होता होता है है मतलब सबसे ज्यादा फॉल्ट कौन सा होता है यही वाला होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट होता है मतलब कि अगर बोला जाए कि पूरे महीने में सबसे ज्यादा फॉल्ट किस कौन सा होता है अराइज होता है तो आपको कहोगे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है ठीक तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट बहुत जल्दी हो जाता है वह मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट होता है ये सबसे सीवियर सबसे खतरनाक फॉल्ट कौन सा होता है सबसे खतरनाक मोस्ट सेवियर सीवियर बोलते हैं उसको ठीक है मोस्ट सेवियर फॉल्ट इज योर दिस सिमेट्रिकल फॉल्ट इज योर मोस्ट सीवियर फॉल्ट सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होता है वो मोस्ट सेवियर फॉल्ट होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट आर मोस्ट डेंजरस एंड सीवियर लेकिन जो सबसे जल्दी मोस्ट फ्रिक्वेंट फॉल्ट कौन होता है बहुत जल्दी कौन सा हो जाता है फॉल्ट दैट इज योर लाइन ग्राउंड फॉल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉल्ट यही होता है बार बार लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा होता है वो कौन सा होता आपका दट इज योर सिमेट्रिकल फॉल्ट ट्रिपल लाइन और ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इज मोस्ट डेंजरस फॉल्ट क्यों भैया फॉल्ट होने के बाद भी क्या है सिस्टम बैलेंस है पावर आ रही है और पावर जा रही है पावर आ रही है पावर जा रही है भैया तीन तीन वायर है तीनों वायर के, गिर के जमीन में गिर गया अब उसको थोड़ा पता क्या है भैया फॉल्ट हो गया उसके लिए तो वही लोड हो गया जो नीचे गिर गई तीनों वायर बैलेंस है तीनों सिस्टम हमारा सिस्टम बैलेंस है तीनों वायर नीचे गिरी हुई है तो पावर आ रही है पावर जा रही है पावर आ रही है पावर जा रही है उसको हमें पता है कि हाँ भैया ये लोड नहीं है तो पता नहीं कि हमारा हाँ लोड ये नहीं जमीन लोड नहीं है आ रहा पावर सारा नीचे जा रहा तो मोस्ट सिवियर जो आपकी फॉल्ट होती है दैट इज योर दिस फॉल्ट और मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट आपकी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होती है इस पर एमसीक्यू पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे गलत नहीं करेंगे ओके सर चलिए वेरी गुड बेटा ओके वेरी गुड सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड यू हैव टू गिव सिंपली आंसर कोशिश करिएगा की और फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे ठीक है सर चलिए सो वेयर इज द पीडीएफ, यस, यसर इज पीडीएफ बेटा खुल जाओ भाई चलिए सो ये सारे क्वेश्चन हमने कल किए थे ठीक है पहले आज का आज का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं उसके बाद हम लोग आगे इस पर करेंगे इस क्वेश्चन में बचे हुए हैं इसको हम लोग आगे करेंगे पहले आज वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको सीख लेते हैं बेटा ठीक है अब मैं फिर आप लोग को इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हो गए उसको बता दूंगा क्लियर कर दूंगा बस आपको जो चीजें बताई जा रही हैं उसको करना है अच्छे से ठीक है सर हा वट इज दस विट इज नॉट हाँ क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन यह रहा क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन क्वेश्चन पढ़िए आंसर दीजिए और आगे बढ़ेंगे वट इज द क्वेश्चन थर्टी सेवन इज सेक्वेंस कंपोनेंट इज Represented by the following फेजर Which sequence component? इसको बढ़ा दे बेटा हाँ ओके वो बढ़ेगा नहीं दिख रहा है बेटा नहीं दिख रहा है क्या चलो बढ़ जा भाई नहीं बढ़ रहा है। ठीक है मैं इसको बना देता हूं ठीक है मैं इसको बना देता हूं चलिए आई शुड मेक इट ठीक है आपको दिख नहीं रहा होगा मैं इसको बना देता हूं He is saying ये एक डायग्राम ऐसे बना हुआ है एक ऐसे बना हुआ है लाइन और एक ऐसे लाइन बनी हुई है यह कह रहा है ये आई ए नॉट है ये आई बी नॉट है और ये आईसी नॉट है ही इज आस्किंग विच काइंड ऑफ कंपोनेंट इट इज ये कौन सा कंपोनेंट है आप लोग को बताना है कौन सा कंपोनेंट होगा सर ये? हम्म दट इज योर जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट एंड यू यू शुड रिमेंबर ये जितने भी कंपोनेंट आ रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ये ये होते हैं सर ये सिर्फ और सिर्फ अनबैलेंस सिस्टम में होते हैं किसमें होते हैं सर अनबैलेंस सिस्टम में होते हैं बैलेंस सिस्टम में इनका कोई भी यूज नहीं होता है ये होते ही नहीं है बैलेंस सिस्टम में ये होते नहीं है ओके okay, सर चलिए आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन यस वट इज द वैल्यू ऑफ द जीरो सिक्वेंस करंट वट इज द वैल्यू ऑफ बेटा so, अगर मैं अच्छे से सुनाई दे रहा हूं आप लोग को अच्छे से ऑडिबल हूं तो प्लीज आप लोग बताइए बता लो याद, याद रखना है एंड अगेन आई एम सेंगे अनबैलेंस कंडीशन बोल रहा हूं कि, कि में आपको वो घुमाएगा कि हाँ भैया पॉजिटिव निगेटिव सिक्वेंस दिया है आपको एक बैलेंस सिस्टम दिखा देगा आपको क्या हाँ भैया क्या होगा तो ये कहना भैया सर इन केस ऑफ बैलेंस सिस्टम वी डोंट गुड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट दिस इज गिवन द राइट आंसर दिस इज द क्वेश्चन वट आर द टाइप्स ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट वट आर द टाइप्स ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट इज आस्किंग कौन सा इसमें अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन ज आस्किंग यस बेटा क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन में पूछ रहा है कौन सा इसमें अनसिमेटिकल फॉल्ट है और अनसीमेटिकल फॉल्ट में क्या होता है सर हमारा सिस्टम अनबैलेंस हो जाता है ये इसको याद रखिए बार बार मैं इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग इसको ध्यान रखिए हमारा सिस्टम अनबैलेंस हो जाता है किसके कौन सा कौन सा फॉल्ट है सर एक सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट दैट इज योर एल जी ओके सर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट डबल एल जी एंड योर लाइन टू लाइन फॉल्ट दट इज योर लाइन टू लाइन फॉल्ट एंड एंड ऑल ऑफ ऑफ दिस दिस ठीक है सर अगर मैं यहीं पे लिख दू बेटा आपको हाँ मैक्सिमम बच्चों का आंसर क्या आ रहा है देख लेते हैं ठीक है ऑल 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 ठीक है सर अगर मैं यहीं यही लिख दूं बेटा सिर्फ अगर मैं यहां पर लिख दू इसको हटा दू अन को हटा दू यहां पर को हटा दिया अननोन जो ये अन है इसको हटा दिया इसको हटा दिया बेटा इसको हटा दिया क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बना लेते हैं ना बेटा अलग से क्वेश्चन लाने की क्या जरूरत है यहीं पे मैंने इसको कर दिया अब मैं यहां से पूछू वट आर टाइप्स ऑफ सिमेट्रिकल फॉल्ट इसमें से कौन सा सिमेट्रिकल फॉल्ट है इसके आंसर क्या होगा केस में आंसर क्या होगा यस बेटा वेरी गुड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड द आंसर नाउ नन वेरी गुड बेटा ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन गलत मत करिएगा और ध्यान रखिएगा कि इस केस में हमारा सब सिस्टम होता है वो क्या होता है बैलेंस्ड होता है हमारा सिस्टम क्या होता है सर बैलेंस कब सर आफ्टर द फॉल्ट ऑल्सो आफ्टर द फॉल्ट ऑल्सो अवर सिस्टम इज रिमेन बैलेंस्ड ओके सर आगे बढ़ते हैं सर चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग देखो बेटा ये मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन आते हैं इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग खतरनाक डेंजरस कौन सा फॉल्ट सबसे ज्यादा खतरनाक होता है तो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए क्या होता है सर मोस्ट सीवियर फॉल्ट कौन सा होता है इसमें बताइए among this दिस इज द मोस्ट सीवियर फॉल्ट among these is the दिस इज द मोस्ट सीवियर फॉल्ट एंड योर आंसर शुड बी what बेटा दैट इज योर आंसर नंबर यस ए डी दैट इज योर आंसर नंबर डी ओके बेटा शेखर ट्रिकी सुप्रिया अनुपा अमित विशाल मधु प्राची अंचल वैष्णवी वेरी गुड बेटा वेरी गुड सो नाउ आई थिंक यू विल नॉट गोइंग टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन रॉंग ठीक है बेटा ट्रिपल एल जी एंड अगेन आई एम सेम इज बैलेंसड सिस्टम रिमेन बैलेंस आफ्टर द फॉल्ट ऑल्सो इसको ध्यान रखिएगा मैं 50 50 बार बोल चुका इसको ठीक है सर ओके वेरी गुड आगे बढ़ते हैं सर हाँ, ये पूछ रहा है कि इन विच पोर्शन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इन विच पोर्शन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज द अकरेंस ऑफ फॉल्ट इज मोर कॉमन इज द अकरेंस ऑफ फॉल्ट इज मोर कॉमन क्वेश्चन नंबर ही इज आस्किंग कौन सा जो फॉल्ट है किस सेक्शन में फॉल्ट जो है वो जल्दी अराइज होता है ओके बेटा अजय ओके हिमानी बेटा वेरी गुड सुमित वेरी गुड बेटा इमरान वेरी गुड नितिन अनुपा सोनाली प्राची वेरी गुड बेटा तो इसका रीजन बेटा तो पूछता है इंटरव्यू इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन इंटरव्यून वाई यू आर सेइंग दैट दिस ट्रांसमिशन लाइन हैज मैक्सिमम फॉल्ट सो योर आंसर शुड बी सर ओपन ओपन कंडीशन में रखा हुआ है इसको बेचारे घर में रखते तो बारिश से बच जाता कुछ बचता और हमारे अल्टरनेटर क्या रखा हुआ है बड़ी बिल्डिंग के अंदर रखा हुआ है हमारे जो घर में डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूटर एंड में क्या है हमारा घर के अंदर सब कुछ है ट्रांसमिशन ही लाइन है जो कि क्या है ओपन ओपन लाइन में है ओपन इन्वायरमेंट में है

तो आराम से कर लोगे हम लोग करेंगे बेटा हम लोग चीजें को समझेंगे पढ़ना एंड समझना इज़ इज़ डिफरेंट वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली बताओ इसका आंसर मोस्ट मोस्ट कॉमनली ऑकरेंस फॉल्ट कौन सा होगा सर इसमें मोस्ट कॉमनली ऑकरेंस फॉल्ट इज योर लाइन टू ग्राउंड फोर बेटा याद रखिए क्वेश्चन उठाए हैं, मैंने क्वेश्चन है। है आपको कभी गलत करो ओके okay, सर चलिए चलो वेरी गुड वेरी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है okay? चली। चली। गुड। इसमें इतने, इतने क्वेश्चन है कल से जो आएंगे आपको क्वेश्चन वो थोड़ा से डिफरेंट होंगे ठीक है सर तो आइए इसको ही शुरू करते हैं ठीक है बेटा यहां से शुरू किया था ना क्वेश्चन नंबर

उसने ही कराया था सा सारा कुछ ओके okay, सर अब पढ़ो और आराम से आंसर दे इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स वाई वी ट्रांसफोर वी ट्रांसफोर हाई वोल्टेज स्पेशली वाइल ट्रांसमिटिंग सो दैट द, सो दैट द ओके 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 बेटा ओके वेरी गुड हम ओके बेटा सो आंसर इज बेटा कोरोना से क्या मतलब है ट्रांसपोज को करोना से क्या मतलब है ट्रांसपोज के करोनालाउस और ट्रांसपोर्स में कोई रिलेशन कहां निकल रहा है मैं तीन तीन वायर हमेशा रहेगी बस उसकी पोजिशन तो चेंज हो रही है जब तीन वायर है आपके पास बेटा तो उसकी पोजिशन चेंज हो रही है पोजिशन चेंज करने से कोरोना करोना ना कोई दिक्कत आएगी कोरोना से क्या दिक्कत आएगी मैं तीनों के बीच में क्या है सेम डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस मेंटेन रहेगी बस उनकी पोजिशन को चेंज कर दिया जा रहा है तो कोरोना का कोई लेना देना नहीं है बेटा उससे ऐसा नहीं कि हाँ वो आर फेज में ज्यादा होता है वाई फेज में कम होता है बी फेज में कम होता है नहीं बेटा कोरोना इज कोरोना दैट इज डिफरेंट थिंग वी डोंट हैव एनी कनेक्शन विद द ट्रांसपोजिशन ऑफ द लाइन विद द कोरोना ओके सर चलिए वेरी गुड सो हेयर एज पर द गिव ऑप्शन द मोस्ट प्रिफर्ड आंसर विल बी योर बेटा दैट इज योर वॉट दैट इज योर फेज वोल्टेज कैन बी

क्वेश्चन थर्टी फाइव वट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इज से पच्चीस एमवीए का क्या है पावर का और छसठ केवी का ट्रांसफॉर्मर रखा है उसका पर यूनिट इंप्रोडेंस दिया हुआ है उसने और नया पर यूनिट इंप्रोडेंस पूछा है नए बेस पे पचास एमवीए है और वोल्टेज क्या आ गया नया बाईस के वी आ गया तो मैंने आपसे कहा था बेटा ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं ट्रिक से करते हैं पूरा फॉर्मुला यूज नहीं करते हैं बस आप लोग कोशिश करिए इसका आंसर कितना जल्दी आप लोग देते दे रहे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव जल्दी से बताइए और हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा ओके सर चलिए वेरी गुड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चलिए कोशिश करिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे चलिए वेरी इंपॉर्टेंट यस आराम से सीक्वेंस में बताएंगे इसका आंसर और यह इस क्वेश्चन में क्या होता है बेटा इस क्वेश्चन में स्पीड ज्यादा नीड होती है स्पीड कितना जल्दी कर ले रहे हो आप लोग ये ज़्यादा मैटर करता है एज कंपेयर टू योर एक्यूरेसी, ओके पे स्पीड मैटर करेगी यहां okay, का एंड सुमित दो बच्चों का आंसर आया थर्ड बच्चा सुप्रिया बच्चा का आंसर आ गया ओके ओके वेरी गुड विशाल मधु पटेरिया वेरी गुड ठीक है डी डी देखो बेटा मैंने फिर से कहा ऐसे क्वेश्चंस में स्पीड जरूरी होती है सर स्पीड मतलब सर देख लो बेटा यहां पे हमेशा याद रखिएगा जेड न्यू मतलब क्या होता है सर ओल्ड भूल जाओ एमवीए न्यू ऊपर एमवीए न्यू ऊपर और केवी न्यू नीचे केवी न्यू नीचे बस इतना याद रखा करो एमवीए जो पावर हुआ वो क्या हुआ पावर जो क्या कर रहा है वो पावर क्या कर रहा है बेटा पहले 25 था बाद में पचास हो गया डबल हो गया डबल हो गया, हो गया। मतलब क्या दुगना हो गया ये पहले पचास था पहले पहले बेटा था था अरे अब क्या हो गया सर पचास हो गया सर पहले छाछ था पहले छाछ था तो ओल्ड वाला ऊपर आता है ठीक है ओल्ड ऊपर और न्यू आपका नीचे आता है और नीचे बाईस हो गया जो तोड़ो इतना कितना तीन बाय ठीक जाएगा नाइन टू एटीन और जो भी दिया हुआ है एटीन इन टू कुछ भी दिया हुआ है परमिनट वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा तो याद कर रखना सर न्यू मतलब पावर न्यू ऊपर और वोल्टेज न्यू नीचे बस इतना याद रखो पूरा फॉर्मुला नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी ओके वहीं से तुरंत प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप दिमाग में बैठेगा और तुरंत आंसर करके ले जाओगे ओके सर चलिए वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्टी हाथ थर्टी फोर वेरी नाइस क्वेश्चन अगेन आई हैव चेंज समथिंग सो यू हैव टू गिव इसमें भी क्या होगा स्पीड मैटर करेगा स्पीड क्या है आपकी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी पैरामीटर इन केस ऑफ नॉमिनल पाई मेथड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी पैरामीटर इन केस ऑफ इन केस ऑफ नॉमिनल पाई मेथड वेरी गुड पाई मॉडल है उसमें सी की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा आपको बताना है वेरी गुड सुमित शेखर ंगी हिमानी सॉरी अनुपा विशाल प्राची ठीक है तो ध्यान देना बड़े, ऐसे कोशिश में आप लोग को ज्यादा समय नहीं देना ट्रिक बता रखा है आपको तुरंत आपको उसको ख्याल करो नहीं याद आ रहा तो दोबारा वीडियो देख लो ट्रिक करो आगे बढ़ो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर क्या होगा सर यहां पर आंसर होगा सर पाई मॉडल में क्या हमने सीखा था सेम थिंग दैट द वैल्यू ऑफ सी पैरामीटर ओके सी पैरामीटर इज योर दिस वन अगर मैं आपसे पूछ लेता टी मॉडल के लिए तो टी मॉडल के लिए क्या होता है सर? टी के लिए आंसर होता सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी एंड इफ देयर इज ही हैव फॉर टी मॉडल इन दैट केस द वैल्यू ऑफ सी पैरामीटर विल बी व्हाट बेटा जेड वन प्लस इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा ओके okay, सर इन सबके ट्रिक भी सिखाए आपको कैसे याद रखना है सर आपको दिमाग में रखना है ओके okay, सर चलिए यस दैट इज वेरी नाइस क्वेश्चन एंड अगेन वन ऑफ द वेरी प्रीशियस एग्जाम इज देयर In that, this question has been asked. So, what is the answer for this question? Question number 33. What he is saying? What is the value of capacitance between two lines? What is the value of capacitance between two lines? And your answer is what? आपके आंसर क्या होंगे बेटा उसको आप लोग सिक्वेंस में दीजिए बताइए और अगर चीजें अच्छी लग रही हैं तो शेयर जरूर करा करिए बेटा आप लोग अगेन आई एम सेइंग, आई डोंट लाइक टू एवरी टाइम प्लीज शेयर प्लीज लाइक एंड ऑल दैट बिकॉज वी हैव मोर इंपोर्टेंट वर्क टू डू ठीक है तो चीजें अगर आपको पैसे में फ्री से आप कर सकते हो फ्री में चीजें कर सकते हो तो कर दिया करो बेटा अपने आप ही ओके प्रमिशर की क्लास में ये सब चीजें नहीं बोली जाती है आपको पता है बट अगेन आई एम से आप लोग करना चाहो तो अपने से कर दिया करो बेटा ओके चलिए ओके वे वेरी गुड सो so, वो पूछ रहा है कि भैया दो लाइन है दो लाइन है सर एक लाइन ए है एक लाइन बी है इन दोनों के बीच में जो कैपेसिटेंस है दैट इज योर सी ए बी ठीक है वो पूछ रहा है वे कितना होगा ये लाइन ए है मान लीजिए और ये लाइन बी है तो पूछ रहा है दुगना होगा कि हो हाफ होगा किसके लाइन टू न्यूट्रल वो आधा होगा दुग्ना होगा क्या होगा सो आंसर विल बी व्हाट बेटा व्हाट यू आर आंसर गिविंग ओके बेटा ओके okay, वेरी गुड चलिए चलिए वेरी गुड वेरी गुड दैट इज योर आंसर नंबर टू ऑलवेज रिमेंबर कैपेसिटेंस बिटवीन टू लाइन इज ऑलवेज हाफ ऑफ द फेस कैपेसिटेंसिटवीन लाइन एंड न्यूट्रल के आधा होता है आप लोग कह सकते हो दैपेसिटेंस बिटवीन लाइन एंड न्यूट्रल फेसिटेन्स इक्वल टू टू टाइम द कैपेसिटेंस बिटवीन द लाइन इसको ऐसे कोशिश को तो कभी भी गलत नहीं करना है इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा ओके सर चलिए वेरी गुड सो मैक्सिम क्वेश्चन अमित बेटा याद रखेंगे वैष्णवी वेरी गुड बेटा कोई नहीं डरना नहीं है गलत होता है सही होता है डजेंट मैटर हमको चीजें सीखना है बेटा यहां पे चीजें सीखने आए हैं और हम लोग सीखते रहेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है गलती होती है उसे इंप्रूव करेंगे गलती हो गया ये हो गया नहीं गलतियां सब करते हैं इंसान से ही बेटा गलतियां होती है ओके सर चलिए वेरी गुड सो आई थिंक नाउ यू हैव गिवन राइट आंसर फॉर दिस द क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री ऑप्शन विल बी वॉट बेटा दट इज योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट दट इज हाफ ऑफ द लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज बाई दिस रिलेशन ओके सर तो घुमाएगा आपको अब वो घूमना नहीं है ओके सर चलिए वेरी गुड सो नेक्स्ट वी शुड मूव टू फॉरवर्ड बिल्कुल भी आप लोग को घबराना नहीं है कि सर ने क्या हो गया सर यहां पे अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी नाइस द रिलेशन बिटवीन द स्किन डेप्थ एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय द रिलेशन बिटवीन द स्किन डेप्थ एंड द फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय वॉट अगेन वेरी गुड फ्रॉम माई साइड यू विल गेट सपोर्ट बेटा ऑलवेज एंड आई नीड सपोर्ट फ्रॉम यूर योर साइड ऑल्सो बाय वट यू हैव टू डू नथिंग बेटा जस्ट लाइक वॉन्ट आई वॉन्ट यू शुड लाइक द चैनल सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल ओके सर चलिए वेरी गुड तो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू वो पूछ रहा है कि भैया रिलेशन क्या होता है स्किन डेप्थ और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है वो आपसे पूछ रहा है स्किन डेप्थ है और फ्रीक्वेंसी है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो आपको बताना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है बेटा वर्क करना है ओके सर चलिए तो फॉर्मूला बेटा मैंने इसका बताया था आपको स्किन डेप्थ इज इक्वल टू क्या होता है किसी किसी बुक में आपको यह मिलेगा टू ओमेगा सिग्मा म्यू या फिर इसको ऐसे लिखते हैं वन बाय अंडर रूट पाई फ्रीक्वेंसी कनेक्टिविटी इनटू म्यू तो ये दोनों फॉर्मूला है यहां से आप लोग निकाल सकते हो दिस इज योर स्किन डेप्थ

द फॉर्मुला इज गिवन ओवर हेयर तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भैया जो स्क्रेप है बच्चे गलती करते हैं इसको मारते हैं ठीक है ध्यान देना है यहां पर अंडर रूट है अंडर रूट को नहीं भूलेंगे इट मीन द आंसर विल बी वॉट बेटा ये द आंसर विल बी ओके बेटा ओके वेरी गुड दट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो इन इन दिस केस द आंसर विल बी वॉट बेटा दैट इज योर आंसर नंबर डी दट इज वन बाय अंडर रूट फ्रीक्वेंसी स्किन डेप थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय अंडर रूट फ्रीक्वेंसी चलो वेरी गुड आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस मच अगेन मिक्स क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरी वन क्या होगा सर आंसर तुरंत कोशिश करिए बताइए फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे ओके चलिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन जीरो वोल्टेज रेगुलेशन जीरो जीरो जैसे ही आए दिमाग में खड़कना चाहिए क्या पूछ रहा है वो ओके सर चलिए वेरी गुड वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा तो पावर फैक्टर एंगल ऑफ द लोड एट द रिसीविंग एंड साइड इज इक्वल टू हां चलो मतलब पावर फैक्टर एंगल पूछ रहा है वो आपको बताना है पावर फैक्टर एंगल क्या होगा जल्दी से वेरी गुड वेरी गुड बेटा वेरी इंपॉर्टेंट ओके वेरी गुड वेरी गुड सबने बेटा काफी आंसर दे रहे हैं आप लोग वेरी गुड सही दे रहे हैं चलिए चलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी गुड बेटा वेरी गुड यस तो ऐसे क्वेश्चन को गलत मत करिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और, 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 और हमने स्माइल कर दिया है और हमने स्माइल बेटा कर दिया है बिकॉज अप टिल आंसर रॉन्ग बेटा मैंने फिर से कहा बेटा हमारी क्लास में आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है फिर एग्जाम अपना देना बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक है तो क्वेश्चन को घुमाएगा क्योंकि बेटा भीड़ बहुत है भीड़ बहुत है तो आपको बेटा ऐसे ऑप्शन देगा जो आप लोग ट्रिक को जल्दी से यूज करोगे आंसर तुरंत मार्क चलेगे और फिर बाद में हो यार गलत हो गया ऐसा नहीं करना है ऐसा आप लोग प्रोविंसियल की क्लास में कर लीजिए दैट इज ओके बट इन द एग्जामिनेशन यू शुड रिमेंबर वट ही इज आस्किंग एंड वट ऑप्शन आर गिवेन ओके चलिए वेरी गुड सो ऑलवेज रिमेंबर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए बेटा मैंने बताया था आपको क्या होता है थीटा इंपेंस एंगल ऑफ द लाइन एंड पार फटर एंगल ऑफ द लोड इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाय आर ओके दिस इज ओनली पॉसिबल यस मैंने अपने ऑपरेटर को कहा था कि इसको थोड़ा सा उल्टा करिएगा इसको उल्टा करिएगा भाई साहब ने ऑपरेटर भाई साहब ने हमारे बहुत सही किया उसको ठीक है एंड अगेन यहां पे मैंने इसको इसके रिलेशन इसके अकॉर्डिंग यहां पर एनओटी रखा था लेकिन भाई ने साहब ने यहां एनओटी चेंज कर दिया लेकिन वहां पे चीजों को चेंज नहीं किया ओके सर चलिए वेरी गुड कोई बात नहीं कोई बात नहीं सर ओके चलिए चलिए वेरी गुड ओके सर ओके ठीक है सो आंसर क्या होगा बेटा ये देखिए मैक्सिमम के लिए दिस इज योर मैक्सिमम तो मैक्सिमम के लिए एक्स बाय आर है और मिनिमम के लिए क्या होगा सर जीरो के लिए क्या होगा सर दैट इज योर आर बाय एक्स तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग तो बेटा यही पे आंसर यहां पे सही है लेकिन अकॉर्डिंगली मैंने यहां पे उसको चेंज करने के लिए उसके अकॉर्डिंग उसने यहां पे चेंज नहीं किया दैट इज ओके बट आपको ध्यान रखना है यहां पे देखिए जेड जेड मैंने दो बार लिखा हुआ है इसलिए कि ताकि बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो और आंसर को देखें ओके सर तो यहां पर वो चीजें यहां पे चेंज नहीं हुई है दैट इज ओके बट अगर यहां आपको क्या दिया होता मैक्सिमम दिया होता यहां पर क्या हो दिया होता बट आपको मैक्सिमम दिया होता ठीक है चलिए ठीक है इसको आप ऐसे करिए मैंने इसको चेंज कर दिया यहां पर ठीक है यहां पर चेंज कर दिया इसको इज योर मैक्सिमम दिस इज योर मैक्सिमम केस इस केस में आंसर क्या होगा सर इस केस में आंसर क्या होगा अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे लीजिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर यस बेटा इस केस में आंसर क्या होगा ओके वट विद आंसर इन दिस केस वट विलविद आंसर इन दिस केस सिंपल है. आप लो कर लो क्या देखना है अब आपको क्या ध्यान रखना है दट इज वॉट सर अब ध्यान क्या रखना है आपको यहां पर

प्रॉपरलीयर कर लेको आप लोग कमेंट में ले सकते हो और आप लोग टेलीग्राम पर भी आपको भेज सकते हो ताकि मुझे कि आप हाँ लोग अपने को ले को लेकर लेकर अपनी पढ़ाई सीरियस हो और ये सीरियसनेस हमेशा बरकरार रखिए एंड अगेन आई एम से हमारा जो जो पुराना चैनल है वो रिकवर हो चुका है ऑलमोस्ट लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अभी उसको ठीक से रिकवर कर लें उसके बाद वहां पे आपको वीडियो मिलेगी बट अभी हमारी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू नहीं करना है बिकॉज एग्जाम्स आर वेरी नियर ओके बहुत पास है उसको जल्दी से लाना है तो अपनी पढ़ाई को स्टडी कंटिन्यूसली रखनी पड़ेगी तो स्टडी रोज करनी है क्या पढ़ाया गया उसको रोज है और नोट्स बनाते रहिए बिकॉज बेटा नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay? चलिए सर सो टुडे वी शुड नाउ एंड सेशन ओवर हेयर ओनली बिकॉज नेक्स्ट सेशन हैज केम हैज टू कम ओके सो अगर कोई आपको डाउट हो कुछ भी हो दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हैं एंड अगेन आप लोग जेनिक लर्निंग ऐप को जरूर इंस्टॉल okay, so, so कर लीजिए बिकॉज इट विल बी अ लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ ओके सर सो थैंक यू थैंक यू सो मच टू एवरी एंड होमवर्क प्लीज करिएगा ओके थैंक यू गॉड ब्लेस यू